जब जब बात आती है फर्नीचर की, तो एक टाइटल दिया जाता है फकीर मोहन सेनापति को, दैट इज़ द फादर ऑफ ओडिया नेशनलिज्म एंड मॉडर्न ओडिया लिटरेचर। तो फादर ऑफ मॉडर्न, अगर हम ओडिया के नेशनलिज्म की बात भी करते हैं, क्योंकि ये जो राइटिंग है और जो इनकी जो राइटिंग थी वो नेशनलिस्टिक ग्राउंड पे काफ़ी क्राफ्ट की गई है। और यहाँ तक कि जो हमारे पास भी जो वर्क है, द सिक्स सेकंड एंड थर्ड, यहाँ पे आपको ब्रिटिश और उसके बाद कॉलोनाइजेशन जैसा, उसके बाद बंगाल और ओडिशा को किस तरह से उन्होंने कैप्चर करा, और वो जो उनके कॉलोनियल पॉलिसीज़ हैं, और जिस जिस तरह से वो अलग अलग जमींदारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट, ये सारी चीज़ जो है, और ईस्ट इंडिया कंपनी, तो एक हिस्टोरिकल ग्राउंड की राइटिंग है द सिक्स सेकंड एंड थर्ड, बहुत ही फेमस नॉवल है। इसके साथ साथ इनकी और भी बहुत राइटिंग है, जैसे रेबाती हो गया, द सिक्स सेकंड एंड थर्ड जो हमारे पास है, उसके बाद उत्कला ब्राह्मणन, ऐसे कई सारी वर्क है। इन्हीं ऐसे से बेहतरीन राइटिंग की वजह से इनको फादर ऑफ ओडिया लिटरेचर, या फादर ऑफ जो ओडिया हम बोल सकते हैं, मॉडर्न ओडिया लिटरेचर, इसका टाइटल दिया गया। तो ओडिया लिटरेचर, और एक तरह से एक एक पर्टिकुलर एरिया में बोले जाने वाले इस तरह की लैंग्वेज को एक इंटरनेशनल लेवल पे ला के रखना, और उसके बाद इतनी बेहतरीन राइटिंग लिखना जो कि हिस्टोरिकल ग्राउंड पे कनेक्टेड है, वो राइटिंग है ये द सिक्स सेकंड एंड थर्ड। काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी इसके रिगार्डिंग के, इस वर्क को डालो, इसकी डिटेल एनालिसिस करो, तो आज मैं इस वर्क को लेके आया हूँ। और एंड में आप ज़रूर कमेंट करना कि आपको ये वर्क जो है वो किस तरह का, कैसा लगा, और इसके रिगार्डिंग जो है सारा कुछ आपको इसमें मिलेगा। अराउंड 64 to 65 स्लाइड्स है, पर मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी जो है इसको कवर करूँ। ये करते हैं तो की फैक्ट्स देख लो। सबसे पहले ये SIX आएगा, ठीक है, द सिक्स एकड़ एंड थर्ड। उसके बाद जो ऑथर है इसमें फकीर मोहन सेनापति, और योनरा की बात करें तो सोशल राइटिंग है, सोशल नॉवलिस्टिक ग्राउंड पे से ये डिज़ाइन किया गया है, तो सोशल नॉवलिस्टिक ग्राउंड पे। उसके बाद रियलिस्टिक राइटिंग है, तो रियलिज्म पे बेस्ड है, सेटिंग ऑन द मिड ऑफ द 19th सेंचुरी ओडिशा, तो ओडिशा पे जो पूरा सीन है इसको सेट किया गया है। बाकी बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस, ऐसे नहीं है कि बस ये बहुत कुछ मिलेगा आपको जब आप एंड तक पहुँचोगे। अब ये थोड़ा ध्यान से देखना है आपको, ताकि आप कुछ अलग अलग ट्रेसेस जब निकालने की बारी आए तो हम इजीली कनेक्ट कर सकें स्टोरी के साथ। अब यहाँ से कहानी की शुरुआत शुरू होती कहाँ से, देखो ये जो कहानी की शुरुआत है वो 1803 का यहाँ पे सीन दिखा रखा है। इससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको क्लियर होना चाहिए, अगर आपने हिस्ट्री को अच्छी तरह से करा है अपने टाइम पे, नहीं करा तो कोई टेंशन की बात नहीं है। देखो सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, नॉर्मली कुछ 18, 20, 22 कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने सीधा जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड की क्वीन से जो है परमिशन लिया ताकि वो इंडिया के साथ जो है वो डील कर सके। तो ये एक तरह से कुछ बिजनेस से कनेक्टेड जो लोग थे, उन्होंने इस इंडिया में आके एक कंपनी बनाई, और उसके बाद अपनी फैक्ट्री सूरत वगैरह यहाँ पे मसलीपट्टनम में सेट किया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट, यहाँ पे इतना ज़्यादा क्रॉप प्रॉफिट कमाया, और पर जो है ब्रिटेन को उतना फ़ायदा नहीं मिल रहा था। तो यही बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1600 के बाद जो है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में कदम रख दिया था, उसके बाद इनका मेन मोटिव था पहले एज एन बिजनेस, तो ये सिर्फ एक मर्केंटलिज्म अप्रोच पे चल रहे थे, सिर्फ एक बिजनेस करना था। पर 1857 के टाइम, 1857 का जो रिवोल्ट हुआ, 1600 से 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसके बाद ब्रिटेन जो है वो डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा था इंडिया को। तो जो रियल जो है कॉलोनाइजेशन जो इंडिया का हुआ है वो 1857 से हुआ, कब तक, 1857 से लेकर 1947 तक। तो हमारे जो सीन है ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें दिखा रखा है, पर हमें देखो क्या करना है। पहली जो बक्सर की लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी, 1700, जो पहले देखो प्लासी की लड़ाई 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई, फिर उसके बाद 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई, 1764 से ठीक अगले साल 1765 में अलाहाबाद की ट्रीटी साइन हुई, और फिर अंग्रेज़ों को जो है वो बंगाल की प्रेसिडेंसी मिल गई, यानी अब जो है अंग्रेज़ों को दीवानी मिल गई। दीवानी मींस राइट टू कलेक्ट टैक्स। अब वो भारत से जो है, भारत से टैक्स इकट्ठा कर सकते थे ज़मीन पे, जैसे क्रॉप्स व्रॉप्स वगैरह पे। तो ये जो राइट टू कलेक्ट टैक्स है, यानी दीवानी राइट्स जो है वो मिली थी 1765 में अलाहाबाद की ट्रीटी में। तो ये जो है, तो बंगाल, बंगाल के सदर 90% जो है, जो एक सारा एक्सपोर्ट वगैरह सब कुछ जो बंगाल से होता था, इसीलिए तो बंगाल का जब इन्हें मिल गया वो दीवानी, तो बंगाल की दीवानी 1765 में मिली। उसके बाद बंगाल के बाद उड़ीसा को 1803 या 18 हम कह सकते हैं 1820s के टाइम पे, उड़ीसा को भी
जो है वो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर डाल दिए गए, यानी बंगाल को तो कैप्चर कर ही रखा था, अब उड़ीसा भी जो है वो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर आ गया। तो ये जो कहानी है वो 1830 में सेट की गई है, 1830 में, यानी अब जो उड़ीसा है, कहानी उड़ीसा की है, और जो उड़ीसा है वो किसके अंडर आती है, बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर। तो ये जो कहानी में जो मंगराज है, दिस इज अगेन, ये जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो मंगराज है, एक मनी लेंडर है, मनी लेंडर के होते हैं साहूकार जो पैसा देते हैं, तो ये हमेशा पैसे दे के सबको डेट ट्रैप में फंसा लेता था, कर्जे वाले उस ट्रैप में फंसाया, उसके बाद जो है उनसे जमीन लिखवा लेना नाम पे, ऐसे से करना। तो एक गोविंदपुर जो है, गोविंदपुर एक फिक्शियस टाउन है, रियल टाउन नहीं है, गोविंदपुर जो टाउन है वो उड़ीसा में है, तो कहानी गोविंदपुर विलेज की है, सॉरी गोविंदपुर विलेज है, ठीक है, एक फिक्शियस विलेज है, तो गोविंदपुर जो है एक जो गांव है वो उड़ीसा में है, ये कहानी वहाँ की है, ऐसा कोई गांव है नहीं, झूठा गांव है, ठीक है। और वहाँ का एक कैरेक्टर दिखा रखा है मंगराज, तो मंगराज गोविंदपुर का है जो कि उड़ीसा में है, और जो उड़ीसा है वो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर आ गई है 1810-20 में, 1820s 1830s कह सकते हो आप, वैसे तो 1810 के उसमें ही आ गई, द फर्स्ट डेकेड ऑफ 19th सेंचुरी। अब उसके बाद जो कहानी में क्या होगा, देखो ये हर एक को, ये एक मनी लेंडर था, साहूकार जिसे कहते हैं, पैसे देता था और दुनिया को जमीन किसी का लिखवा लेना, एक डेब्ट ट्रैप में फंसा लेता था, उधारी वाले एक बहुत बड़े उसमें ट्रैप में। तो इसी तरीके से इसने एक जमींदारी को भी हासिल की थी, जमींदार कौन होते थे, देखो जमींदारों का काम क्या होता था, जो पीसेंट होते थे वो क्रॉप्स उगाते थे, तो जमींदार का काम ये था कि उससे टैक्स वसूलना, और इस टैक्स में से कुछ टैक्स जो है, कुछ रिवेन्यू जो है, जो पैसा आता था वो खुद के पास रखते थे, और बाकी जो है ये किसके को देते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को देते थे। तो ये था जमींदार, जमींदारी सिस्टम। जैसे पता 1793 में आपको पता होगा कि परमानेंट सेटलमेंट आया, उसके बाद जो जमींदारी सिस्टम है, जमींदार को रखा गया, क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि वो डायरेक्टली उस टच में आए भारत के लोगों के साथ और उनसे टैक्स वसूलेंगे, तो झड़प हो सकती है, और कल्चर के बीच में अगर घुस गए तो क्या पता नेशनलिस्टिक जैसा एजेंडा उठ जाएगा जो 1857 में उठा था बाद में। पर शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती थी, इसीलिए उन्होंने जमींदारों को प्लेस करा, जमींदार को बोलोगे सिर्फ तुम रिवेन्यू इकट्ठा करो और उस रिवेन्यू को हमें दो और बाकी कुछ परसेंट अपने पास रख लेना। तो हर एक को जमींदार बनाया जाता था, एक जमींदार के अंदर एक गाँव नहीं कई सारे गाँव आते थे, और जो जमींदार जो पैसे नहीं दे पाता था उसके जो उस विलेज को या फिर उस पर्टिकुलर पूरे लैंड को ऑक्शन कर दिया जाता था, नीलामी कर दी जाती थी, कोई और दूसरा खरीद सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि गोविंदपुर का जमींदार जो है वो मंगराज बन जाएगा, मंगराज जो है गोविंदपुर का जमींदार कैसे बना, कि जो जो जमींदार ये किस तरह से बना वहाँ का, तो हमें ये दिखना है। पहले जो था यहाँ का जमींदार जो था, फतेहपुर सरसांदा ये जगह है वहाँ पे, ठीक है, जो गोविंदपुर में है, तो गोविंदपुर में जो फतेहपुर सरसांदा है उसका जमींदार बन जाएगा कौन, मंगराज। और ये कैसे बनेगा कि वहाँ का जो जमींदार पहले था उसे डेब्ट ट्रैप में फंसाएगा, उसे बहलाएगा फुसलाएगा और उसको जबरदस्ती पैसे देगा कि ये लो मदद के नाम पे पैसे दिए, फिर डेब्ट बनाना शुरू कर दिया, कर्जा वो इतना ज़्यादा बना देगा कि वो नहीं दे पाया, और उसके बाद उससे उसने जमींदारी अपने नाम करवा ली। तो इस तरह का कैरेक्टर है मंगराज, जो कि हमारे पास इस पूरे कहानी का सेंट्रल है, सेंट्रल कैरेक्टर है। तो जमींदारी वॉज एस्टैब्लिश ए टिपिकल कवर्ड सिविल कंटागियस विलेज, ये मैंने बोला था, जमींदारी सिस्टम के बारे में मैंने बता ही दिया आपको, और बाकी सब कुछ भी, टैक्स किस तरह से लेना होता था, बस कुछ लोगों को टैक्स से दूर रखा जाता था, जैसे कि ब्राह्मण्स जो है वो टैक्स नहीं देंगे, सोल्जर्स टैक्स नहीं देंगे, वॉचमैन टैक्स नहीं देंगे, बाकी जो पीजेंट वगैरह होंगे इन पे हैवी टैक्सेस लगाए जा रहे थे। द ब्रिटिश ग्लैडली इनहेरिटेड द सिस्टम, ब्रिटिश ने इस तरह का सिस्टम लगा रखा था, और यही कहलाती है हमारे पास जमींदारी सिस्टम। इसी को साउथ में रायतवाड़ी सिस्टम भी कहा जाता है, रायत यानी जो अमीर किसान होंगे, बहुत अमीर जो किसान होंगे उन्हें रायत बोलेंगे, और रायत अगर जब लेते हैं बाकी किसानों से जिनके पास जमीन नहीं होती थी उनसे पैसा लेते थे, वो रायतवाड़ी सिस्टम है। ऐसी जमींदारी सिस्टम, रायतवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम भी यही है, महलवाड़ी में गांव होगा, पूरा महल गांव को कहते हैं और उससे टैक्स वसूलना, तो महलवाड़ी सिस्टम। ये सारे नाम एक ही है, मतलब थोड़ा एक फंक्शन और एक तरह का ही सिस्टम है, बस नाम अलग अलग जगह से अलग अलग जगह मूव हो रहे हैं। तो इस कहानी में बस स्टार्टिंग जो है आपको ये ध्यान रखना है, तो 1764 में दीवानी राइट्स मिल चुकी थी, ये सब आपका बैकग्राउंड क्लियर रहेगा तभी कहानी की पकड़ अच्छी होगी। कहानी को पूरा सेट किया गया गोविंदपुर में, जो कि एक फिक्शियस विलेज है, और जो उड़ीसा का फिक्शियस विलेज, और उड़ीसा जो है बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर आ रखी है,
और यहाँ पे दिखा रखा है कि मंगराज किस तरह से डेट ट्रैप में फंसा के जमींदार बन जाता है वो फतेहपुर सरसांदा का, और ये जो जगह है वो गोविंदपुर में है। मंगराज के बारे में बताया, देखो मंगराज ने किसका फायदा उठाया था, जो मंगराज था वो बहुत ही तेज दिमाग वाला इंसान था। तो अब यहाँ पे ये आपको कैसे समझना है कि वो इतना तेज दिमाग का था, उस समय जो जमींदार, जो देखो एक कॉलोनियल रूल चल रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी है फाइनली, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कॉलोनियल स्ट्रैटेजी थी उनकी। एक वो रूल क्या था कि एक कॉलोनियल लॉ कोर्ट बना रखा था, कि जो अंग्रेज आए थे उनका एक लॉ कोर्ट था, उसमें ये था अगर कोई किसी के पैसे नहीं दे पाएगा तो वो उसे स्यू कर सकता है कोर्ट में, यानी कोर्ट में उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। तो जो एग्जिस्टिंग जमींदार था पहले सरसांदा का, वो था छोटा मियाँ। छोटा मियाँ बहुत ज़्यादा पार्टीज देता था इधर उधर, और एंड में आता था वो डेब्ट ट्रैप में आ गया, कर्जे में आ गया। वैसे टाइम पे मंगराज पहुंच गया, मंगराज ने उसकी हेल्प करने के लिए उसे बहुत सारा जो है पैसे वगैरह ये सब दिया, और एक टाइम के लिमिट के थ्रू बांध दिया कि आपको इस टाइम तक मुझे दे देना। पर जैसे ही वो डिफॉल्ट कर देता है, वो नहीं दे पाता, तो सिंपल उसने स्यू कर दिया उसे लॉ कोर्ट में, और कोर्ट ने फैसला दिया कि उसकी जमींदारी छीन ली जाती है और किसको मिलेगी, मंगराज को। जो मंगराज जमींदार जो था वो बहुत ही एक तरह का कह सकते हो आपके बहुत ही क्रूर टाइप का था, वो अपने पीजन को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करता था जो उसके अंडर थे, और उनसे बहुत ज़्यादा टैक्स वसूलता था और बहुत सारा काम भी करवाता था। इसकी फैमिली एक्सटेंडेड थी, बहुत बड़ा घर था इसके पास, और ये एक अच्छा पेट्रियार्क नहीं था। घर में जिस तरह से जो बड़े होते हैं मर्द होते हैं, उस तरह का इसके अंदर कोई गुण नहीं थे। इसकी जो वाइफ थी बहुत ही अच्छी कैरेक्टर की दिखा रखी है, बिल्कुल अब पायस दिखा रखी है, और उसका नाम क्या था, सनातनी, तो सन सन सांतनी, ठीक है। तो सांतनी इसकी जो वाइफ है वो बिल्कुल ही सही कैरेक्टर की है, बिल्कुल पायस है, समझदार है, वो इतनी अच्छी है कि उसको टाइटल भी दिया गया, दी मदर ऑफ कम्युनिटी, यानी अपनी जो कम्युनिटी है उसकी मदर, उतना ज़्यादा जो है इसको लोग चाहते थे। ही हैज़ नो इंटरेस्ट। उसके बाद जो बता रखा है कि मंगराज बिल्कुल इससे उल्टा था, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था अपने बच्चों पे भी, ना डॉटर इन लॉ ना बेटियों पे भी कोई इंटरेस्ट था। और मंगराज का जो था कि वो हमेशा ऐसे फिर हर किसी को एक्सप्लॉइट करता था, यानी जो घर में उसकी जो काम वाली वगैरह होती थी उनके ऊपर भी उसकी गंदी नज़र रहती थी, और बहुत सारे प्रोस्टिट्यूट के साथ, यानी जो बाजारू औरतें होती हैं या जिसे हम रखेल कहते हैं, उनके साथ इसके बहुत सारे अफेयर थे। और ऐसी एक प्रोस्टिट्यूट थी चंपा नाम की, जो कि इसके इतने करीब थी कि घर में आती जाती थी, और उसने एक पावर अटेन कर रखा था इसके थ्रू, उसे मंगराज ने पावर दे रखा था, मंगराज उसी से पावर रूल, मतलब मंगराज की जो है वो धौंस दिखाती थी हर एक को कि देखो वो थी रखेल वैसे मंगराज की, पर मंगराज उसे जो है अपनी वाइफ से भी ज़्यादा वो इज्जत दिया करता था। तो अभी तक कहानी जो है हमारी यहाँ तक मूव हुई है। इसके बाद कहानी कैरेक्टर है हमारे पास, यानी हस्बैंड एंड वाइफ, एक का नाम है भाग्या एंड दूसरे का नाम है सरिया, ठीक है। तो भाग्या और सरिया जो है वो दो हैं इसमें। तो देखो नाम जो है कैरेक्टर के नाम बहुत ही परफेक्ट रखे गए हैं, जो कि रियलिस्टिक ग्राउंड पे रखे गए हैं, क्योंकि जिस तरह की राइटिंग होती है ये होता है परफेक्शन और एक्सलेंस किसी भी कैरेक्टर को प्लेस करने के लिए। तो इसी तरह से नाम भी रखे गए हैं जो कि रूरल ग्राउंड पे सेट है। तो भाग्या और जो सरिया ये दो कपल होते हैं, इनके और वीवर कास्ट से होते हैं, बहुत ही इनकी जो लाइफ है वो हैप्पली मैरिड है। और मंगराज जो है वो एक प्लान करता है, और यहीं से जो है इस पूरे कहानी का जो टाइटल द सिक्स एकड़, द सिक्स एंड थर्ड एकड़ जो है वो इन्हीं की ज़मीन है, वो जो मेजरमेंट है ज़मीन की द सिक्स एंड द थर्ड एकड़, तो वो यहीं से टाइटल आएगा इस पूरे नोवेल का। तो भाग्य और जो सरिया है उनके बच्चा नहीं होता है, तो वो हमेशा इसी उसमें होते हैं कि कब उनके बच्चा हो। तो और ये बात पता होती है मंगराज को, तो मंगराज की नज़र शुरू से ही उनके सिक्स एंड थर्ड एकड़ ज़मीन पे थी कि वो ज़मीन किस तरह से कब्जा लें, बस कि कोई एक ऐसा मौका मिले, और मौका मिल गया। तो मंगराज अपनी एक जिसे हम कह सकते हैं इसके प्रोस्टिट्यूट या स्पिंस्टर, ठीक है, तो चंपा, चंपा के साथ मिलके एक तरह से प्लान करते हैं। और ये प्लानिंग क्या थी कि हम भगिया और सरिया इनको अपने जाल में फंसाएंगे। तो चंपा जाती है भगिया और सरिया के पास और बोलती है कि एक ही तरीका है, चंपा परसुएट करती है सरिया को, यानी भगिया की जो वाइफ है सरिया, उसे कि एक ही तरीका है तुम्हारे बच्चा हो सकता है, मैंने बहुत सुना है कि तुम एक काम करो, एक टेम्पल बनवा दो बुद्धि मंगला, जो बुद्धि मंगला है दी लोकल गॉडेस है, ठीक है, उनके नाम पे एक टेम्पल बनवा दो, तो तुम्हारे जो है बच्चा पक्का हो जाएगा। टू फंड दिस एक्स्ट्रा वेगन, सब पर क्या खर्चा बहुत ज़्यादा था, पैसे की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। तो सरिया ने बता दिया अगर पैसे की ज़रूरत पड़े तो मंगराज से ले लेना, बहुत अच्छा इंसान है।
इस तरह से करके ट्रैप में फंसा दिया। अब वो ये वो उन भगिया ने जो है, यानी जो सरिया का जो हस्बैंड है भगिया, उसने पैसे ले लिए मंगराज से और उसके उस पे अपनी ज़मीन को रख दिया, और फाइनली वो पैसे नहीं दे पाया या उसको एक ट्रैप में फंसा लिया, और फिर इतना ज़्यादा उस पे टैक्स लगा दिया कि वो नहीं दे पाया, तो उसकी पूरी ज़मीन जो है 1/3 एकड़ जो ज़मीन है वो कब्जा लेते हैं। भगिया हैज़ ए मेंटल ब्रेकडाउन। उसके बाद जो है मंगराज उसको ले लेता है, और मंगराज उसे उनको बिल्कुल भी दया नहीं करता, उनके पर के चलो छोड़ दो, वो कहते हैं कि कुछ टाइम और दो, पर साफ मना कर देता है मंगराज। तो इसके बाद जो है भगिया हैज़ ए मेंटल ब्रेकडाउन, इसको ये बहुत दिमाग से इसकी जो है हालत ख़राब हो जाती है, और सरिया जो है वो वाह उनके घर के बाहर जाके रोती भी है कि प्लीज़ ये ज़मीन दे दो मुझे, और थोड़ा सा और हमें टाइम दो। और भगिया का दिमाग जो है वो दिमाग से बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है उसका, और पागल हो जाता है वो। और इतने में मंगराज जो है वो उसे नहीं देता, तो एक तो रोज़ सरिया जाके वहाँ खड़ी रहती थी सरिया के प्लीज़ वो ज़मीन वापस कर दो, और इतना ज़्यादा फिर भी जो है मंगराज उसके ऊपर कोई दया नहीं खाता। और एक दिन क्या होता है कि वो जो सरिया उसके घर के बाहर ही उसकी डेथ हो जाती है। तो मंगराज के जो वाइफ है जो शांतनी, वो बहुत ही सिंपथाइज सी, वो देखती कि किस तरह से जो मंगराज है टॉर्चर कर रहा है, और इसी की टॉर्चर की वजह से जो है वो किसकी डेथ हो गई है, यानी सरिया की जो है वो डेथ हो गई, यानी भगिया की वाइफ जो है सरिया उसकी डेथ की वजह कहीं ना कहीं क्या पूरा मंगराज ही रिस्पॉन्सिबल है। एक तो उनसे ज़मीन छीन ली, उसके बाद उनसे टाइम मांगने के बाद भी टाइम नहीं दिया, इतना ज़्यादा टैक्स ऊपर से और इम्पोज किया। तो अब ये कहानी यहाँ तक आई, अब देखते हैं आगे। अब सरिया की डेड बॉडी क्योंकि मंगराज की प्रॉपर्टी पे मिली है मंगराज को, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुआ और मंगराज को फिर ट्रायल के लिए बुलाया गया। अब ट्रायल के लिए उस पर चार्जेस के अलग एक्विटेड किया गया था, यानी चार्ज क्या लगाया गया था उसके ऊपर, मर्डर का। और यहाँ पे जो रीडर है वो पोएटिक जस्टिस लेके बैठा होगा कि अब इंसाफ होगा, पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो फाइनली देखो अब मिलनी थी सज़ा किसकी, मर्डर की, पर वहाँ पे मिला क्या कि जो है अब कोर्ट में फैसला सुनाते हैं जज के, इन्होंने जो मंगराज है उसने नीता नीता को ने देखो ध्यान रखना, नीता जो है इन दोनों कपल की जो गाय है वो है, यानी सरिया और जो उसके जो भगिया, भगिया और सरिया की जो एक गाय थी उसका नाम नीता था। तो ट्रायल हुआ, तो ट्रायल हुआ में कोर्ट ने ये कहा कि जो गाय है उसको इन्होंने बिना बताए इलीगली अपने पास रख रखा था, तो इसकी सज़ा सुनाई, मर्डर की सज़ा ना सुनाते हुए इसकी सज़ा सुनाए। तो पोएटिक जस्टिस यहाँ पे रीडर को नहीं मिला, जो भी यहाँ रीडर पढ़ रहे थे सबको कहीं ना कहीं उम्मीद होती है कि अब ऐसे टाइम पे मंगराज को पकड़ लेना चाहिए, पर मंगराज को पकड़ा नहीं, बल्कि नीता के लिए उसे जो है सज़ा सुनाई गई, और सज़ा कुछ महीने का कहा गया कि ठीक है कुछ महीने की सज़ा हुई कि तुम्हें जेल में कुछ महीने रहना है। तो यहाँ पे पूरा एक जो लीगल सिस्टम और पूरा जो कोर्ट है उसके ऊपर ये सटायर है, और साथ साथ आयरनी भी क्रिएट की गई कि सज़ा किस चीज़ की देनी चाहिए और यहाँ पे किस चीज़ की दे दी। इन द मीन टाइम उसी टाइम पे जो लॉयर है, जो हुज सर्विस वॉज सिक्योर थ्रू जस्ट काइंड ऑफ द मॉर्टगेज, जो लॉयर है वो जो मंगराज के थ्रू ही लॉयर मूव कर रहा था, यानी मंगराज जो है जो लॉयर की जो नौकरी थी, जो मंगराज के केस को देख रहा था वो जो लॉयर था, वो ही जो है मंगराज के थ्रू ही वो चल रहा था, क्योंकि मंगराज ही उसको ऐसे से केस ला के देता था, उसकी कमाई डायरेक्टली मंगराज पे डिपेंड थी। उसी ने मंगराज की कुछ प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लिया, और कहानी जब आगे मूव होगी इसमें, क्योंकि हम शॉर्ट समरी कर रहे हैं तो उसमें ऐसी होती है कहानी, तो जैसे कहानी आगे मूव होगी तो उसमें दिखाया गया कि जो चंपा है वो बार्बर के साथ भाग जाती है, वहाँ का एक नाई होता है उसके साथ भाग जाती है चंपा, और चंपा काफ़ी सारी जो मंगराज की कुछ प्रॉपर्टी होती है उसको लेके वो गायब हो जाती है। अब चंपा किसके साथ निकल गई, बार्बर के साथ, उन दोनों के बीच में खटपट होती है, बनती नहीं है, जिस वजह से जो है बार्बर जो है वो चंपा को मार देता है, यानी नाई जो है जिसके साथ चंपा भागी थी वो चंपा को मार देगा, और उसके बाद जो है वो नाई जब भाग रहा होता है तो रिवर में वो डूब के उसकी डेथ हो जाती है। उस रिवर में क्रोकोडाइल वगैरह होते हैं, तो उस रिवर में के रास्ते वो भाग रहा होता है तो वहाँ उसकी डेथ हो जाएगी। और फिर देखो अब अलग रहा होगा इस सेंस कहीं ना कहीं शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, जैसे हम सिनेका ट्रेजेडी बोलते हैं कि एंड में मैक्सिमम जो डेथ हैं वो हो रहे हैं, सारे जो मेन मेन कैरेक्टर्स हैं और जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं, प्राइमरी कैरेक्टर के साथ साथ सेकेंडरी कैरेक्टर, माइनर कैरेक्टर, सबकी डेथ हो रही है। तो यहाँ पे काफ़ी जो डेथ सीन देखने को मिलता है एंड में, और यही है फॉलिंग एक्शन। देखो राइजिंग एक्शन जिस तरह से मीट हो रहा था वैसे ही फॉलिंग एक्शन भी बिल्कुल सही तरह से ही लग रहा है इस पूरी कहानी में। उसके बाद जैसे ही मंगराज वहाँ से आता है, जब वो जेल से छूटता है,
तो वो जब पहुंचता है तो देखता है कि उसका जो बेटे वगैरह हैं जिनकी परवरिश बिल्कुल सही तरीके से नहीं हुई, बाकी प्रॉपर्टी उन्होंने उड़ा दी। और फिर वो पूरे गिल्ट फैक्टर को लेके ही पूरी कहानी में मूव करता है। एंड में देखो यही है, हर्ट एंड माइंड कन्फ्लिक्शंस है ना, तो हर्ट एंड माइंड कन्फ्लिक्शन यही है जो कि हमने देखा था। स्कारलेट लेटर ए पढ़ा होगा अगर आपके सिलेबस में होगा, हाथोरन की राइटिंग है स्कारलेट लेटर ए। तो किस तरह से माइंड और हर्ट का कन्फ्लिक्शन, ये जब कन्फ्लिक्शन अराइज करता है ना, तो इसके थ्रू ही जो है अंदर ही अंदर जो है वो जो भी हमारे पास जो कैरेक्टर है उनकी इतना ज़्यादा वो अंदर फील हो जाते हैं, गिल्ट फैक्टर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो अपने आप ही उनकी जो है डेथ हो जाती है। तो इसी में रहती है द पेन एंड द डिस्पेयरिंग। उसके बाद जो शांतिनी, भाग्या, सरिया और इनोसेंट सारे जो हैं वो इनकी डेथ हो चुकी है इसमें। तो इसी तरह से एंड में जो है हमारा जो मंगराज है जो वो गिल्ट फैक्टर के थ्रू जो है और इंटरनल कॉन्फ्लिक्शन हर्ट एंड माइंड कॉन्फ्लिक्शन की वजह से उसकी भी डेथ हो जाती है। तो एंड में सारे कैरेक्टर्स की डेथ हो गई है। सिनेका ट्रेजेडी वे में मूव करवाया गया, जैसे शेक्सपियर की राइटिंग होती थी अगर आपने पढ़ा होगा ड्रामा वगैरह में, ओथेलो वगैरह में देखा होगा आपने किस तरह से एंड में सिनेका ट्रेजेडी यानी सिनेका जिस तरह से लिखता था और उसकी जो एंड में काफ़ी ज़्यादा डेथ सीन होते थे, वही डेथ सीन शेक्सपियर ने मूव करवाया था। शेक्सपियरियन राइटिंग में भी डायरेक्ट इन्फ्लुएंस देखा गया था इटली और इटली स्टाइल, इटालियन स्टाइल ऑफ राइटिंग का। तो उसी तरह से उसमें भी और यूनिवर्सिटी विट्स से शेक्सपियर कहीं ना कहीं इंस्पायर थे। तो जिस तरह से वो एंड का डेप्थ का सीन था वही वाला सीन जो है इसमें भी देखने को मिल रहा है हमें, सेम सिनेका वे में कि कहानी के सारे कैरेक्टर्स जो है एंड में एक दूसरे को मार मोर के, या इसकी वजह से वो मर गया, उसकी वजह से वो मर गया। तो ये डॉट कनेक्शन जो है ये पूरे एंड में सिनेका ट्रेजेडी इसने क्रिएट किया है। तो यहीं पे ये कहानी ख़त्म हो जाती है विद मेन कैरेक्टर्स और सेकेंडरी कैरेक्टर्स सबकी डेथ के साथ। और हम इसे बोल सकते हैं इसे क्लाइमेक्स पर नॉट द कॉमेडी टाइप ऑफ द क्लाइमेक्स, एक ट्रेजेडी है ये, बिल्कुल सही है, एक ट्रेजेडी राइटिंग है विद राइजिंग एक्शन और फॉलिंग एक्शन दोनों मेंटेन की गए हैं यहाँ पे। राइजिंग एक्शन सिंपल मैं कई बार कई वीडियो में बता चुका हूँ, जब कहानी में नॉट्स फॉर्म होते रहते हैं कि और साथ ही साथ जो रीडर है वो पोइटिक जस्टिस के लिए मूव कर रहा होता है, जो पढ़ रहा होता है उसे लगता है कि हाँ इसे कुछ ना कुछ तो, जैसे उसने उसको मार दिया, उसने उसको मार दिया, उसकी वजह से उसकी बुरी हालत हो रही है, तो सबको इंसाफ चाहिए होता है। वो जो पोएटिक जस्टिस के लिए जो है फॉलिंग एक्शन आता है, जैसे यहाँ उसके साथ उसने उसको मार दिया तो यहाँ इंसाफ होना चाहिए। तो हमने देखा किस तरह से राइजिंग एक्शन कहानी बिल्कुल एक्शंस मूव करते जा रहे थे, जिसकी वजह से काफ़ी जो रीडर के दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फैक्टर बिल्ट हो जाता है, कैथारसिस करवाने के लिए, उनके अंदर के परजेशन कराने के लिए, यानी उनके अंदर के जो राइजिंग एक्शन को लेके एक रिलीफ फैक्टर ऐड करवाने के लिए अब वहाँ पे फॉलिंग एक्शन को मूव करवाया जाता है। फॉलिंग एक्शन पोएटिक जस्टिस के डिमांड पे क्रिएट किया जाता है कि बिल्कुल ठीक है, अब उन्हें इंसाफ चाहिए। और इंसाफ इसमें मिला जब उन्हें देखा कि ट्रायल चला मंगराज का और मंगराज को सजा के बदले कुछ मिला ही नहीं, और वहाँ पे भग्या और सरिया की डेथ हो जाती है और मंगराज के साथ कुछ होता ही नहीं, तो पोएटिक जस्टिस की डिमांड हुई थी पर वो मीट नहीं हो पाई। पर एंड में बिल्कुल कहानी के एंड में क्लाइमेक्स सीन है इसमें, एंटी क्लाइमेक्स में एंड नहीं हुआ, कहीं ना कहीं रीडर को ये इस पे नहीं छोड़ा गया कि अरे वो खाली बच गया, ये खाली बच गया, या उसके साथ कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। सबके साथ जैसा उन्होंने करा वैसा हुआ, प्रॉपर जितना ग्राफ राइजिंग एक्शन का गया पोएटिक जस्टिस के उसकी वजह से फॉलिंग एक्शन पे मूव होने लग गया है, पूरा अर्जेंसी ऑफ पोएटिक जस्टिस क्रिएट हुआ, उसके बाद फॉलिंग एक्शन पे मूव होने लग गया, राइजिंग एक्शन फॉलिंग एक्शन दोनों के जो ग्राफ है बिल्कुल मेंटेन किया गया, इसीलिए हम इसे बोलते हैं क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स में राइजिंग और फॉलिंग एक्शन इक्वल होता है, जबकि एंटी क्लाइमेक्स में क्या होता है कहानी को ऊपर तक रोक देना, अगर मंगराज की डेथ नहीं होती तो हम बोलते हैं ठीक है जो राइजिंग एक्शन है वो तो ऊपर उठा पर फॉलिंग एक्शन उसके हिसाब से गया नहीं। तो जब राइजिंग एक्शन ग्रेटर देन फॉलिंग एक्शन होता है तो एंटी क्लाइमेक्स आता है, पर ये कहानी जो है वो क्लाइमेक्स में मूव हुई और ट्रेजेडी है। द डाइवर्स रेंज ऑफ द फीमेल कैरेक्टर इन द सिक्स सेकर इन द कन्वर्सेशन अबाउट द सेनापति मेल ऑथर इमेजिन द वुमेन्स लाइफ इन द अर्ली 19th सेंचुरी। इसमें वुमेन्स लाइफ के ऊपर भी रखा गया है कि किस तरह से सरिया एक मीक कैरेक्टर दिखा रखा है इसमें, जितने भी जो फीमेल कैरेक्टर है उसको बहुत ही प्लेसिड दिखाया है, शांत, सीरीन, बहुत ही सभ्य, ठीक है, और बहुत ही शांत और अच्छे कैरेक्टर्स दिखा रखे हैं। तो वी फीमेल की अगर कंडीशन बात करूँ तो एक मेल डोमिनेटिंग रोल नहीं दिखाया गया फीमेल को, तो हम बोल सकते हैं हाँ कि फ्रिजाइल कंडीशन में रखा गया है फीमेल को, समवॉट मेल को कंसिडर किया गया एज पावरफुल देन फीमेल। और सरिया जैसे कैरेक्टर्स को और इतना ज़्यादा वीक और कैरेक्टर दिखाया गया जिसे हम बोलते हैं कि फ्रिजाइल कंडीशन पे फीमेल को दिखाया गया। फेमिनिस्टिक ग्राउंड से अगर लिखना है तो हाँ ये बिल्कुल एक एक्सलेंट एग्जांपल है द वुमेन इन द मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया के वुमेन की कंडीशन को दिखाती है, इसीलिए ये एक
जो राइटिंग है, हम इसे बोल सकते हैं पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव में। ये आगे मैंने समझा रखा है सब कुछ, तो हम जब स्लाइड में आगे मूव करेंगे तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ यहाँ पे ये है कि कहानी हमारी ख़त्म हो चुकी है, पर कहानी ही नहीं, मेन इसके जो अलग अलग फैक्ट्स और ट्रेसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पे सिस्टम पे बेस्ड राइटिंग है, ऐसा नहीं है कि इसमें एंटी कास्ट सिस्टम रखा गया, बिल्कुल सही। इस कहानी में कास्ट जैसे कंसेप्ट को बहुत दिखा रखा है और कास्टिसिज्म को मूव करवाया। जैसे कि कहानी में आपने देखा होगा जमींदारी सिस्टम के अंदर ब्राह्मण और कुछ ऐसे हैं जिन्हें कि टैक्स पे करना ही नहीं होता था। उसके साथ जो है जैसे श्याम मल्ला को दिखा रखा है, उसको अपनी ज़मीन देनी पड़ी मंगराज को, और रीज़न क्या था कि उसने ओनियन खा लिया था और उसके बाद जो है उसे अपने आप को प्योरीफाई करना था, तो प्योरीफाई करने के लिए अपनी ज़मीन को किसको देना पड़ा, उसे ब्राह्मण को। तो इसके लिए उसे तो उसने अपनी ज़मीन पहले मंगराज को दी, और उसके बाद उसे, क्योंकि उसे ब्राह्मण को पैसे देने थे, ज़मीन नहीं देना था, पैसा देना था। तो वही कहाँ दिखा रखा है किस तरह से कास्टिसिज्म पे ये जो पूरी राइटिंग है वो स्टीयर हो रही है, मूव कर रही है। और श्याम मल्ला का कैरेक्टर आप देख सकते हो, उसमें एग्जांपल प्लेस करके आ सकते हैं कि श्याम मल्ला को अपने आप को क्या करना था, प्योरीफाई करना था, उसके लिए उसको कुछ पैसे देने पड़े, और पैसे किसे देने थे, ब्राह्मण को, पर उसके पास पैसे थे नहीं, तो प्योरीफिकेशन के लिए उसे अपनी ज़मीन को किसके पास रखना पड़ा, मंगराज के पास। और ये कहानी ऐसे नहीं है कि फ्यूडल यूटॉपिक ग्राउंड पे इस तरह से डिज़ाइन कर रखा हो, या एंटी कास्ट लिटरेचर है, ऐसा नहीं है, कास्टिसिज्म पे बेस्ड राइटिंग है। द व्यू ऑफ द कास्ट राइवलरी इसमें कई जगह देखा गया, जैसे कि भाग्या और सरिया, और सरिया जो आके बार बार ही बोल रही है, प्लीड कर रही है, वो बहुत ही गिड़गिड़ा के भी रिक्वेस्ट कर रही है कि किस तरह से उसकी ज़मीन को छोड़ दिया जाए, पर फिर भी नहीं छोड़ा गया क्योंकि लोअर कम्युनिटी, लोअर कास्ट, इस कास्ट की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि वीवर ग्राउंड से है। और स्पेशली दिखा रखा है कि वो भगिया और सरिया जो है वीवर उससे थे, और उनको उन्हीं कोई लूप में डाला गया, कोई भी जो अपर कास्ट वाले थे उनको किसी भी तरह के कोई जो लूप वगैरह है उसमें नहीं रखा गया कि उन्हें उल्लू बना के या उनसे ज़मीन छीन लिया जाए, क्योंकि अपर कास्ट है तो उनका उन पर हक फाइनली होता ही था, तो उनसे ज़मीन वैसे खींच भी नहीं सकते थे। जितनी भी कॉन्स्पिरेसी से जो भी रचा गया वो सभी इन्हीं के ऊपर रचा गया कि जो लोअर कास्ट की थी। तो ये बिल्कुल बायस राइटिंग है, इसमें देखने को कास्ट के बेस पे बायस है, हम देखने को मिलता है कि जो एक कास्ट सिस्टम है, ऐसे कंसेप्ट को इस राइटिंग में बिल्कुल अलग तरह से दिखाया गया है। तो ये पार्थियड है, और हम इसे ये भी बोल सकते हैं सबाल्टनिज्म में डाल सकते हैं। सबाल्टन का मतलब क्या होता है, जो मेन स्ट्रीम से बाहर है, आउट ऑफ स्ट्रीम जो है, यानी जिन्हें बाकी सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, तो वो सारे सबाल्टन है। तो फीमेल को भी एज अ सबाल्टन वीक दिखा रखा है इसमें, और साथ ही साथ जो कास्ट, जैसे जो लोअर कास्ट हैं वो भी, तो सबाल्टनिज्म ये कहानी में बहुत अच्छी तरह से मूव हो रही है। तो सबाल्टन जैसे कंसेप्ट को आप लिख के आ सकते हो। सबाल्टन टर्म जो है ग्रामसी ने दिया था, और उसके साथ गायत्री चक्रवर्ती स्पीवक का एक फेमस वर्क है कैन कैन सबाल्टन स्पीक, क्या सबाल्टन को हके बोलने का, तो क्योंकि वो सबाल्टन में इसलिए उनके डिमांड को रखा नहीं गया, और जो अपर जो साहूकार थे जो ऊपर, जैसे मंगराज जैसे जो बंदे हैं, वो कोर्ट में ट्रायल चला फिर भी उनको क्या कुछ छोटी सी सज़ा सुनाई गई, और ज़मींदारों को भी छोटी सज़ा। तो ये कास्ट क्लास ये सारे इम्पैक्ट हुए, पार्थियड जैसे सारे कंसेप्ट को इसमें मूव करवाया गया है, इसीलिए सबाल्टनिज्म यहाँ पे एक परफेक्ट है। जब आप आंसर लिखोगे तो सबाल्टनिज्म जैसे कंसेप्ट को जरूर डालना। कहानी कि किस तरह से मंगराज का एक प्लानिंग कितनी अच्छी थी। तो सबसे पहले मंगराज ने जो भी मर्डर जब हुआ तो उसकी वजह से ही जो है वो सरिया की डेथ हुई, तो इस तरह से मर्डर चार्ज लगाया गया मंगराज पे। पर उसने सबको, वो बहुत ही करप्ट था, और उसने क्या करा, सबको पैसे खिला दिए जो आसपास थे विलेजर्स वगैरह उनको। ब्रिटिश ऑफिशियल ने जो है इस केस को आगे मूव करवाया, जब ये कोर्ट में पहुंचा, क्रिमिनल केस था क्योंकि ये, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला काफ़ी विटनेस को बुलाया गया, पर सबको मंगराज ने पहले ही सेट कर रखा था। मंगराज को सरिया की डेथ के लिए रखा तो गया, पर जो जज जो रख था वहाँ पे जैक्सन, उसने इग्नोर कर दिया, उसने बोला कि मर्डर के चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे, क्योंकि जो डॉगलस था जो सिविल सर्जन था जिसने कि सरिया की ऑटोप्सी की, यानी पूरे शरीर को देखा जाता है अच्छी तरह से कि इसकी वजह क्या है क्या नहीं, उसने मना कर दिया। और जब उसने मना कर दिया तो फाइनली जज के पास कोई वो नहीं था, तो जज ने भी मना कर दिया। इस तरह से इसमें करप्शन का बहुत बड़ा रोल है, और किस तरह से मटेरियल एटीट्यूड दिखाया गया, मटेरियलिस्टिक बेस पे ये पूरी राइटिंग है। और ये भी दिखा रखा है कि क्लास जो अपर क्लास वाले हैं, और जो अपर जो एलीट क्लास वाले जो लोग हैं, वो किस तरह से लीगल जैसे सिस्टम पे भी कंट्रोल करते हैं, या कंपनी या जो ब्रिटिश उनके अंडर काम करते थे, दे आर कॉल्ड द बाबूस, उन्हें बाबूस बोलते थे, और लॉर्ड साहब भी कहा करते थे उन्हें, ठीक है। तो एक तरह का जो आईएएस ऑफिसर हो गए,
जो सिविल सर्विसेज पे जो अच्छे उस पे रहते थे उनमें, तो उन्हें को ये टर्म दिया जाता था, ये भी इसमें बता रखा है। उसके साथ साथ हम इस राइटिंग को एज एन मॉडर्न साउथ एशियन हिस्ट्री को अगर देखना हो तो ये राइटिंग बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है। इट्स अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो अगर हमें इंडियन हिस्ट्री को ट्रेस करना है ऑफ द 17th सेंचुरी एंड ऑल्सो द 18th सेंचुरी, तो दिस राइटिंग इज रियली द परफेक्ट राइटिंग। ये एक परफेक्ट राइटिंग है क्योंकि ये रियलिस्टिक ग्राउंड पे ग्रूव्ड है, उसके साथ साथ इज अ कोर रिफ्लेक्शन ऑफ इंडिया। ठीक है, कोर रिफ्लेक्शन ऑफ इंडिया अंडर EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो ये परफेक्ट राइटिंग है। उसके बाद द नॉवल सोफिस्टिकेटेड लिटरेरी एट्रीब्यूट्स, द रिस्टिक एथिनेस एंड द कैरेक्टर स्टोरी, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट प्लेस किए हैं। कोलोनियल इंडिया के उसमें ये सारी राइटिंग को रखेगा, और मर्केंटलिस्टिक अप्रोच है वो भी दिखाया गया है, क्योंकि अंग्रेजों ने जिस तरह से इंडिया को कॉलोनाइज किया था, तीन अप्रोच थे। पहले तो मर्केंटलिस्टिक अप्रोच था, यानी वो मर्केंटलिस्ट, ठीक है, मर्केंटलिस्ट। तो पहले मर्केंटलिस्ट था, वो एज एन मर्चेंट बन के आए थे सिर्फ व्यापार करने के लिए। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो मर्केंटलिज्म से मूव करना शुरू हुआ, जब उन्होंने अपने कल्चर को हमसे ऊपर दिखाना शुरू करा, उसे इम्पीरियलिज्म बोलने लगे। फिर इम्पीरियलिज्म के बाद जो आया तीसरा, वो था कॉलोनियलिज्म, जब उन्होंने कॉलोनीज बनाना शुरू कर दिया इंडिया में। तो इस तरह से इंडिया को कॉलोनाइज किया गया था, और जमींदारी, परमानेंट सेटलमेंट, रैतवाड़ी सिस्टम हो गया, महलवाड़ी सिस्टम हो गया, तो ये सब कुछ एक ऐसा था, सब्सिडरी अलायंस हो गया, ये सब ऐसे कंसेप्ट थे जिसके थ्रू अंग्रेजों ने बहुत अच्छा से कंट्रोल किया और हमारे कल्चर को भी अप्रूव कर दिया, और उसके साथ साथ हमें मूव करवा दिया। जैसे मैं काले जैसे बंदे थे जिन्होंने हमें पूरा हमारे जो इंडियन कल्चर को हटा के उसमें वेस्टर्न जैसे कंसेप्ट को डाल दिया। अब यहाँ से आपको काउंटिंग है, तो बस आपको ध्यान देना है कौन कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो फकीर मोहन सेनापति, फादर ऑफ ओडिया नॉवल और द शॉर्ट स्टोरी बोला जाता है, द फर्स्ट इंडियन नॉवलिस्ट इन द वर्नाकुलर लैंग्वेज। ठीक है, इसको ऐड कर लेना आप, ये सब कुछ ध्यान रखना है। वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब अपनी भाषा में, जैसे उड़िया हो गया, हरियाणवी हो गई, ऐसी हर जगह की अपनी अपनी भाषा होती है, तो सेम तो इस तरह से जो है, तो वर्नाकुलर लैंग्वेज में यानी जो देसी भाषा, एक पर्टिकुलर एरिया में जो भाषा बोली जाती है उस भाषा में जो है इन्होंने उड़िया जैसे लैंग्वेज को, उड़िया जैसे जो एक तरह की जो बोली बोली जाती है उसको इतना ऊपर लेके आए। इनके जो फिक्शन है जैसे कि छा माना अथन गुंथा, ठीक है, अब नहीं बोला जा रहा तो मेरे को इसके लिए सॉरी, ठीक है, क्योंकि तो उड़िया है या आई थिंक ये भाषा और हम इसे बोल नहीं पाएंगे, तो जो उड़ीसा से हैं वो पर्टिकुलरली वो तो बोल लेंगे। तो छा माना अंत गुंथा, इट मीन द 6 acre and half रिटन 40 years बिफोर द प्रेमचंद की गोदान। तो प्रेमचंद के गोदान से देखो 40 साल पहले लिखी गई। अब यहाँ पे प्रेमचंद का रेफरेंस क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि हम सबको पता है हिंदी राइटिंग में को जो मेन राइटर रहे थे वो प्रेमचंद रहे थे, इनकी जो राइटिंग होती थी वो जमींदारी सिस्टम पे बेस्ड होती थी। तो ये सबसे मेन है, आज भी पता होगा जैसे आपको कि ऑक्सफोर्ड जैसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनमें प्रेमचंद के ऊपर एक स्पेशली कोर्स होता है, तो अंग्रेज पढ़ रहे हैं प्रेमचंद को, तो प्रेमचंद की जो राइटिंग है उसमें कोर रिफ्लेक्शन मिलता था बिल्कुल उस टाइम के इंडिया का, जिस समय जमींदारी सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट थी। तो उन्होंने 40 साल बाद जमींदारी सिस्टम पे लिखा था, पर इन्होंने जो है उनसे पहले ही जमींदारी सिस्टम पे इतनी बढ़िया एक सोशलिस्टिक ग्राउंड पे एक नॉवल लिखी। इसे छा माना गुथम शुड बी टेकन एज अ स्पेसमैन फॉर द फर्स्ट प्रोग्रेसिव नॉवल है। कैरेक्टर बिल्कुल प्रोग्रेसिव होते जाते हैं, राइजिंग एक्शन पे मूव होना, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव नॉवल और प्रोग्रेसिव राइटिंग। ही हैज ट्रांसलेटेड महाभारत, गीता, रामायण, इतने सारे इन्होंने ट्रांसलेटेशन भी कर रखा है, ओडिया राइटिंग में भी ट्रांसलेट किया है। इनको थॉमस हार्डी ऑफ ओडिशा, ओडिशा भी बोला जाता है, ये भी याद रखना। प्रेमचंद जो कि इंडिया के इतने ऑथर थे, जो इतने फेमस ऑथर थे जिन्होंने सोशल रियलिस्टिक ग्राउंड पे लिखा था, और उनसे पहले फकीर मोहन चंद ने भी, फकीर मोहन सेनापति सॉरी, इन्होंने सोशलिस्टिक ग्राउंड पे लिख के प्रेमचंद से पहले इतनी वर्सेटाइल पर्सनैलिटी और उसके साथ इतना आर्ट एंड लिटरेरी आर्टिस्टिक स्टाइल में लिखना, दैट इज रियली परफेक्ट। 6 acre and 3rd इज द फर्स्ट इंडियन नॉवल टू डील ऑन द एक्सप्लोइटेशन ऑफ द लैंडलेस पीजेंट बाय द फीडल लॉर्ड। तो ये आपको लिख के आना ही है, एक तो रिकॉर्ड है, खुद एक सबसे अच्छी बात है ये कि पहली ये इंडिया की नॉवल है जिसने कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लैंडलेस पीजेंट बाय फीडवल लॉर्ड, कि जो लॉर्ड किस तरह से पीजेंट का इस्तेमाल कर रहे थे, यानी सिंपल जमींदारी सिस्टम के ऊपर जो बेस पहली राइटिंग है वो यही है। इट वॉज रिटन मच बिफोर द अक्टूबर रिवोल्यूशन, यानी रशियन रिवोल्यूशन से पहले लिखा गया था। रशियन रिवोल्यूशन 1917 का है, रशियन रिवोल्यूशन भी कहते हैं, अक्टूबर भी कहते हैं, फेबररी रिवोल्यूशन भी कहते हैं, नवंबर रिवोल्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि हर मंथ रिवोल्यूशन लीड हो रहा था इस वजह से।
तो यानी 1917 के, यानी उस रिवोल्यूशन से पहले राइटिंग आई थी ये। तो वर्ल्ड वॉर 14 टू, पता है हमें, 1914 टू 18 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड 1939 टू 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और इनके बीच में एक हमारे पास ये आगे 1917 में रशियन रिवोल्यूशन, उससे पहले ये राइटिंग आई थी। और उड़िया की सबसे मास्टरपीस राइटिंग है ये, एक लिटरेरी रियलिस्टिक कॉम्प्लेक्स और सोफिस्टिकेटेड राइटिंग है दैट एक्सप्लेन द सोशल रियलिटी एंड इट्स मियरली द होल्डिंग अप ए मिरर टू इट। इस तरह के आपको जो लाइंस होते हैं उसको लिख के आना होता है ताकि आपके स्कोर जो है वो अच्छे आए। ये थे मैं मिलेंगी द नॉवल इज सेट ऑन द कॉलोनियल इंडिया, बिल्कुल सही, द इंडियन सोसाइटी 19th सेंचुरी के ऊपर बेस्ड राइटिंग है, कॉलोनियन का दिखा रखा है, एक्सप्लोटेशन दिखा रखा है। उसके बाद द कॉलोनियलिज्म कैन बी डिफाइंड एज द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द कंट्रोल ऑफ द पीपल्स लैंड एंड द गुड, ये कॉलोनियलिज्म की डेफिनेशन है। द सिक्स एकर्ड नैरेटिव रियलिस्टिक द सोशियो कल्चरल स्टेट ऑफ द ओडिशा, तो सोशल कल्चरल दोनों का दिखा रखा है ओडिशा का, द जमींदारी मंगराज, द सिक्स एकर्ड शोन द प्रोटोटाइप ऑफ द एक्सप्लोटिव द कॉलोनाइजर, किस तरह से कॉलोनाइज किया उन्होंने, उस तरह की राइटिंग है। तो इंडिया का कॉलोनाइजेशन और उसके एक रियल उसका हिस्ट्री को प्रेजेंट करना एक मिरर है उस टाइम की राइटिंग का, इट्स अ रियल रिफ्लेक्शन, अ कोर रिफ्लेक्शन ऑफ दैट पीरियड। तो ये सब आप लिख के आ सकते हो। थ्रू द विजन ऑफ दिस सेल्फ रिफ्लेक्सिव द पोस्ट मॉडर्न नरेटिव टेक्निक, इसमें जैसे शशि थरूर की राइटिंग है, अगर आपने पढ़ी हो द ग्रेट इंडियन नॉवल 1857 के ऊपर भी इन्होंने लिखा है, तो सलमान रश्दी की मिडनाइट चिल्ड्रन जो कि 1947 के ऊपर बेस्ड राइटिंग थी, दोनों हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट रखती हैं। इसी तरह से ये भी राइटिंग है जो कि रामचंद्र बंगराज जैसे कैरेक्टर को सामने लेके आती है और ओडिया के एक उस एक पर्टिकुलर एरिया जो कि उसमें दिखा रखा है उसके बेस पे ये कहानी है, और जमींदारी सिस्टम का इम्पैक्ट और कितना जमींदारी सिस्टम ने कितने लूप होल थे वो भी दिखाया गया, जो यहाँ पे साथ ही साथ जमींदारी सिस्टम का ही नहीं लीगल सिस्टम का जो लूप होल है, कॉलोनियल लीगल सिस्टम का लूप होल है वो भी सबके सामने आया। मंगराज ने जो जस्ट फॉर हिज अननेचुरल एम्बिशन उसका एम्बिशन दिखा रखा है, और डीह्यूमन नेचर जो है वो भी यहाँ पे दिखा रखा है। द साइन ऑफ द डीह्यूमनाइजेशन कैन बी सीन इन द रुइनेशन ऑफ हिज फैमिली, उसकी फैमिली किस तरह से बर्बाद हो गई ये हमें एंड में देखना पड़ता है कि अगर डीह्यूमन को इंसान हो तो एंड में उसे इस तरह से उसकी हालत होती है। Like the birds of the different feathers, they're seeking the shelter in a large tree. The women had flocked to Mangraj's house. They kept arriving and they leaving. It was impossible to keep the track of their movement. ये दिखा रखा है जो ब्रोथल का सीन कि उसने अपने घर को ब्रोथल बना दिया था, ब्रोथल किस तरह सेंस से बन गया कि वहाँ पे लड़कियाँ आती रहती थी बार बार ही मंगराज से मिलने के लिए, और फिर वहाँ पे सेक्सुअल जैसी एक्टिविटी परफॉर्म होती थी, फिर वो जाती थी, इतनी ज़्यादा लड़कियाँ आती थी कि झुंड के हिसाब से, तो एक ब्रॉथल की तरह उसने अपने घर को, यानी कि इस कैरेक्टर उसका इतना लूज हो चुका था, और यही वजह है कि उसके इस तरह के डीह्यूमन नेचर की वजह से उसके एंड में इस तरह की ट्रेजेडी उसके साथ हुई। रामचंद्र मंगराज इज इंट्रोड्यूस टू द रीडर एज ए जमींदार, जमींदार के थ्रू आया था, एक मनी लेंडर के था, साहूकार और जमींदार दोनों था वो। मंगराज कजन जो श्याम वॉज फोर्स टू सेल हिज लैंड टू द मंगराज, उसका भाई था श्याम, उसको बेचनी पड़ी जमीन मंगराज को, क्योंकि वो आसपास जितने भी थे उन सब से ज़मीन खाली करवा लेता था, और उसको और क्यों बेचनी पड़ी, क्योंकि वो उसने ओनियन खा लिया था, वो मैंने बताया था किस तरह से अपने आप को प्योरीफाई करना चाहता था, उसके लिए उसे पैसे की ज़रूरत थी, और पैसे की ज़रूरत पड़े तो मंगराज ऐसे मौके को नहीं छोड़ता था। मंगराज ने पैसे दिए और उसके बाद इतना ज़्यादा टैक्स इम्पोज कर दिया और एक टाइम लिमिट फ्रेम कर दिया, नहीं दे पाया तो उससे उसके ज़मीन को ले लिया। तो ये जो एटीट्यूड है, इस तरह का जो मटीरियल ग्राउंड है, और ये जो ट्रू रिफ्लेक्शन है, बिल्कुल सही, इट्स एन एक्सलेंट रिफ्लेक्शन ऑफ जमींदार एंड ऑल्सो द साहूकार ऑफ दैट पीरियड, तो ये इसमें दिखा रखा है। इसके बाद में और क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो देखो इसमें सेनापति राजनीति क्वेश्चन ऑफ द ऑनरशिप ऑफ द लैंड, लैंड के ऑनरशिप के ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चन उठाए गए हैं। जमींदार के नाम पर भी जमीन नहीं होती थी, ठीक है, याद रखना, जमींदार के भी नाम जो है वो लैंड नहीं जाती थी, बस हाँ कि वो उसके ऊपर जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर सकता है जो कि जमींदार करता था। मंगराज ट्रीटमेंट हिज फार्म हैंड्स प्रेजेंट द रीडर इनजस्टिस, यहाँ पे इनजस्टिस दिखाया गया और टायरनी दिखाया गया है कि कितना ज़्यादा जो बदसलूकी करता था और जो अत्याचार करता था कौन, मंगराज, अपने वर्कर्स के लिए के ऊपर, तो जो पीजेंट वगैरह होते थे, जो वर्कर्स होते थे जो मंगराज के उसमें काम करते थे, वो बहुत ही ज़्यादा उनके ऊपर जो अत्याचार करता था वो, जैसे कि इसमें एक आप वहाँ पे लिख के आ सकते हो, ही सर्व देम द टू लार्ज बाउल्स ऑफ द वाटरी लिक्विड, पहले दो बड़े बड़े बाउल्स देता था, राइस देने से पहले, चावल खिलाने से पहले वो कहता था कि दो ये जो बाउल इन भर के पानी को पियो,
ताकि भूख ऐसी खत्म हो जाए। और जो ड्रमस्टिक का पेड़ था उसमें से ड्रमस्टिक ना देते हुए उन्हें लीव्स और फ्लावर्स देते था पीजेंट को कि तुम ये खाओ। और यहाँ तक कि उसके जो ड्रमस्टिक के वेजिटेबल्स वगैरह, जो ड्रमस्टिक है के पेड़ से जो ड्रमस्टिक आता था वो जो है वो डायरेक्टली सेल के लिए जाता था, कोई और बीच में से नहीं निकाल सकता, ना कोई खुद कंज्यूम कर सकता है। और उसके बाद भी अगर इस तरह से जो है कि सेनापति का एक क्रिटिक ऑफ द सोसाइटी इंक्लूड द सटायर ऑन द इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस हु विलफुली एलिनेट देमसेल्फ फ्रॉम देयर कल्चर बाय एपिंग देयर कॉलोनियल मास्टर, कहीं ना कहीं ये भी दिखा रखा है इसमें कि कॉलोनियल मास्टर यानी जो अंग्रेज होते थे उसके कितने चाटुकारी करते थे ये सारे लोग थे इंडियंस पर, ज़्यादा झुकाव इनका किस तरफ था, ब्रिटिशर्स की तरफ। तो इस तरह से जो है आप ये जहाँ पे जिस तरह का क्वेश्चन आएगा आपको वैसे ही आंसर यहाँ पे हिट करना है। अब यहाँ से जो आपको कॉन्सर राइटिंग के लिए आपको प्रिपेयर रहना है, क्योंकि जिस तरह से जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसके हिसाब से आपको देखना है कि कौन सा परफेक्ट राउंड हम मीट कर सकें। बाकी जो अलग अलग जो इसमें मीडियट कॉन्सेप्ट्स वगैरह जो है वो मैंने इसमें कवर कर रखा है, अब आप देख सकते हैं उन सभी को। यहाँ से देखिए सोसाइटी के ऊपर एक ये क्रिटिकल कमेंट है और बिल्कुल एक मिरर है ऑफ दैट टाइम कि दिखा रखा है किस तरह से लूप होल्स क्या थे ब्रिटिश एम्पायर के टाइम पे। आप ये पढ़ सकते हो कि मंगराज के डाउनफॉल जो एंड ऑफ द नॉवल इज अ ग्रिम रिमाइंडर ऑफ द पॉसिबल पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज नॉट ओनली ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कॉलोनाइजेशन। कई सारी वजह थे मंगराज के डाउनफॉल की वजह पर यहाँ से देखो, और बाकी ये जो कुछ टेक्स्ट हैं ये जो बुक्स हैं आप इसे रोक के स्लाइड को देख सकते हो, पर यहाँ से इंपॉर्टेंट है सेनापति 1830 के टाइम पे ले जाते हैं और दिखाते हैं किस तरह से जो लूप होल था ब्रिटिश एम्पायर में वो सारा दिखाया गया है। रियलिस्टिक राइटिंग है, बिल्कुल सही, उन्होंने बैलेंस दिखा रखा है द रियलिटीज ऑफ द वेस्टर्न एम्पायर और एक्सप्लोटेशन एंड एनलाइटमेंट इन सब के बीच में। सिक्स एकड़ एंड ए थर्ड सेनापति ने अनवील कई सारे हिडन रियलिटीज़ को निकाला है जो मार्जिनलाइज के साथ होता था। सेनापति ने हर एक मूव में नॉवल को एक क्रिटिकल कमेंट के ऊपर और क्रिटिकल बेस के ऊपर जो है वो डिज़ाइन किया है। थ्रू दिस नॉवल द सेनापति गिव द वॉइस टू द वॉइसलेस प्रेजेंट, इसीलिए पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग है। पोस्ट कॉलोनियल का मतलब मैं आगे भी आपको समझा दूंगा, वैसे यहाँ भी समझ सकते हो। आज़ादी के बाद जब हम अपनी पीस ऑफ राइटिंग को कोई राइटर अपने लिखता है और उसके बाद कोई भी पीस ऑफ राइटिंग है अगर वो ब्रिटिश जिन्होंने कॉलोनाइज किया अगर उसके अगेंस्ट या उनके अत्याचार उनके टायरेंट रूल को अगर शो करती है और उसके बाद वो हमें जगाते हैं, सच टाइप ऑफ द सच पीस ऑफ द राइटिंग इज कॉल्ड पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग। इसके बाद यहाँ पे दिखा रखा है कि सेनापति ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम किया था कि उन्होंने इकोनॉमिक और सोशल रिफॉर्म को दिखाया और एम्पावरमेंट की भी बात, क्वेश्चन एक बोल्ड क्वेश्चन राइज किया हम सबके आगे, वो था एम्पावरमेंट ऑफ द अनप्रिविलेज्ड वो जो कि आउट ऑफ स्ट्रीम है, इट मीन द सबाल्टन। ठीक है, सबाल्टन का यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हो, पूरी राइटिंग वैसे सबाल्टन सब पे बेस्ड है। अब आगे जाओ आप देखो, सिक्स सेकेंड एंड थर्ड इज ए सेमिनल वर्क बाय द फकीर मोहन सेनापति एन एमिनेंट ओडिया राइटर, वही बात है। ठीक है, द नॉवल वॉज रिटन इन द लेट 19th सेंचुरी एंड इज ए क्रिटिकल कमेंट्री ऑन द सोशियो इकोनॉमिक एंड द कल्चरल मिलियो ऑफ दैट टाइम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन्स आप, ठीक है देखो, सोशियो और इकोनॉमिक और कल्चरल मिलियो तीनों ग्राउंड पे इस राइटिंग को लिखा गया है। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द प्रोटैगनिस्ट रामचंद्र मंगराज अ लैंडलॉर्ड विद। अब देखो कई बार हमें आंसर लिखना होता है, हमें अपनी समरी को भी शॉर्ट फॉर्म में लिख के दिखाना होता है, तो उसके लिए बहुत बेहतरीन है ये कि किस तरह से आप शॉर्ट में अपनी कहानी भी बोल जाओ और जिस तरह का आपके क्वेश्चन में जो डिमांड है उसको भी आप लिख सको। द नॉवल प्रोवाइड्स ए विविड पोर्ट्रेल ऑफ द रूरल लाइफ इन 19th सेंचुरी ओडिशा रूरल लाइफ के ऊपर, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन, ऑप्रेसिव फ्यूडल सिस्टम, ये तीनों को दिखाया। तो इन तीनों को रट लो और यही तीनों आपको जो है वो लिख के आना है। द नरेटिव बिगन्स नरेटिव इन द स्टोरी इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द रामचंद्र को दिखाएंगे, मैन ऑफ द कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस इन हिस विलेज, काफ़ी इन्फ्लुएंस था, इज अ जमींदार द लैंडलॉर्ड दोनों था, इन द सिक्स एकड़ एंड ए थर्ड लैंड डिस्पाइट ऑफ द सोशल स्टैंडिंग रामचंद्र फेसेस वेरियस चैलेंजेस, कई सारे चैलेंजेस, तो आप शॉर्ट फॉर्म में अपने जो है समरी को प्लेस कर सकते हो। फिर इसी तरह से इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, देखो द सोशियो एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द टाइम इज डिपिक्टेड थ्रू द रिलेशनशिप बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड द पीजेंट के बीच में रिलेशन दिखा रखा है। रामचंद्र एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लैंडलॉर्ड क्लास का रिप्रेजेंट कर रहा है वो, और उसके बाद एक्सप्लोइटेटिव नेचर का है। वन ऑफ द सेंट्रल थीम ऑफ द नॉवल इज द ऑप्रेसिव कास्ट सिस्टम, ये सेंट्रल थीम है। द कैरेक्टर इज डिलिनेट बेस्ड ऑन द कास्ट एफिलेशन डिस्क्रिमिनेशन और उसके बाद लोअर कास्ट इंडिविजुअल, ये सारे जो हैं इसके थीम है और थीमेटिक कंसर्न है। द नरेटिव अनफोल्ड्स, देखो अनफोल्ड्स बहुत प्यारा वर्ड आप लिख के आ सकते हो, जब कहानी को जो बताया जाता है तो हम सिंपल ये इस तरह की लाइंस जो है बहुत अच्छी होती है, इट मीन द स्टोरी अनफोल्ड्स यानी बता रही है। द स्टोरी अनफोल्ड्स द अराइवल ऑफ द न्यू सब कलेक्टर, एक नया सब कलेक्टर आता है, बहुत ही
जो है गंवार लोगों को इसमें सब कलेक्टर बना रखा होता था, बाबूज कहा जाता है, और ये अंग्रेज रखते थे जानबूझ के इस तरह के, ताकि इंडिया वाले को उठाते थे ताकि वो इंडियन के साथ ही जो है वो इंटरेक्ट कर सके। जिसमें एक सब कलेक्टर है मिस्टर रायचंद, हु सीक्स टू इम्प्लीमेंट ए रिफॉर्म टू एलिवेट द सफरिंग ऑफ द पीजेंट, जो कि रिफॉर्म लेके आना चाहता था ताकि जो पीजेंट है उनके कंडीशन को बेहतर किया जा सके। दिस कैरेक्टर रिप्रेजेंट द चेंजिंग इन द विंड्स ऑफ द सोशल रिफॉर्म एंड द मॉडर्निंग मॉडर्निटी इन द कॉलोनियल इंडिया। ये सिर्फ उसको प्रेजेंट करता है कि अंग्रेज किस तरह से बेहतर चाहते थे, बहुत अच्छा इक्वालिटी और जैसे जस्टिस जैसे कंसेप्ट को मूव करवाना चाहते थे, बस सिर्फ वो एक तरह का नॉमिनल कंसेप्ट था, नाम में था, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं था। Undergoes the transform as he confront the consequences of his action, grapples with the conscience. The novel delves the psychological nuances में देखने को मिलता है किस तरह से एंड में हर्ट इन माइंड कन्फ्लिक्शन है। द टाइटल सिक्स एकर इज अ सिम्बॉलिक ऑफ द एगेरियन सोसाइटी को प्रेजेंट करता है, तो ये बहुत प्यारा है अगर टाइटल पे क्वेश्चन आता है। द लैंड इज अ सोर्स ऑफ द लेवलीहुड इन द पावर, लैंड उस समय पे लेवलीहुड और पावर दोनों का ही सोर्स था। एज अ मेटाफर फॉर द स्ट्रगल एंड द डिस्पैरिटी, और सोशल फैब्रिक को इसी से डिज़ाइन किया गया था, और ये एक स्ट्रगल और डिस्पैरिटी का भी एक वो है। जिसके पास लैंड है वो एगेरियन सोसाइटी में उसकी एक वैल्यू मानी जाती है, जैसे ब्राह्मण वगैरह कास्ट हो गए इनको था। एज द नरेटिव प्रोग्रेस, जैसी कहानी जो है आगे की तरफ मूव करती है, इट ऑल्सो एक्सप्लोर द थीम ऑफ द लव, मोरालिटी, रिडेम्पशन, ये तीनों चीज़ और मिलते हैं हमें इसमें, लव का भी, मॉरल का भी, पछतावा का भी। रामचंद्र रिलेशनशिप विद हिज वाइफ एंड अदर कैरेक्टर सर्व एज ए बैकड्रॉप ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द ह्यूमन नेचर, तो कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द ह्यूमन नेचर, मॉरल डिलेमा, ये सारे थीम्स है, और इसी से आपकी आंसर राइटिंग अच्छी होगी। नाउ दिस पेज इज फॉर द कन्या, डाल सकते हो तो कंक्लूजन देख लो आप, तो ये कंक्लूजन का है। और थ्रू इट्स एक्सप्लोरेशन ऑफ द कैरेक्टर एंड द इंट्रैक्शन द नोवेल प्रोवाइडेड न्यूएंस कमेंट्री सॉरी ऑन द ऑपरेसिव सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द टाइम एंड द चैलेंजेस पोज्ड बाय द चेंजिंग आइडियोलॉजी। तो सोशल स्ट्रक्चर पे एक ऑपरेसिव कमेंट है, उसके बाद चेंजिंग आइडियोलॉजी पे भी दिखा रखा है। सिग्निफिकेंट है इंडियन लिटरेचर और इंडिया के कल्चर को दिखाना यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आप कंक्लूजन भी ऐड कर सकते हो। इसके बाद देखो, ठीक है, तो जो टीम ने ऐड कर रखा है ताकि आपको काफ़ी रिसोर्सेज मिल सके लिखने के लिए, तो ये इंट्रोडक्शन आप आंसर राइटिंग को यहाँ से शुरू कर सकते हो। इसके बाद प्लॉट अगर हम देखते हैं, तो इसे लैंडलॉर्ड विद सिक्स एकर अनफोर्स द बैकड्रॉप ऑफ द ट्रेडिशनल एग्रेरियन सोसाइटी, द नॉवल कमेंसेस द डिटेल पोर्ट्रेयल ऑफ द सोशल हायरार्किकल एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, वही सारी बातें हैं, तो आप इसको रोक के देख लो ये सब। कैरेक्टर को लेके जाती है, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ द प्रोग्रेसिव नॉवल, इसे प्रोग्रेसिव राइटिंग भी कहते हैं। मेलोड्रामा का भी एग्जाम्पल है, फैमिली में किस तरह से उलझन उलझन होती है वो भी, तो प्रोग्रेसिव ज़्यादा है बाय नेचर, तो प्रोग्रेसिव है। उसके बाद एक ट्रेजेडी है कि सेंट्रल कैरेक्टर का जो फ्लॉ जो है, जो उसकी गलतियाँ हैं वही उसको पूरा डुबा देगी, तो ये जो फ्लॉ है जो सेंट्रल कैरेक्टर का वही रिस्पॉन्सिबल होगी कि उसके कैरेक्टर के ट्रेजेडी के लिए। रामचंद्र मंगराज जो है एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट थ्रू आउट द नरेटिव, इनिशियली डिपिक्टेड एज अ पावरफुल प्रिविलेज एंड ही ग्रैपल्स विद द कंसाइंस एंड द इनजस्टिस। इसके बाद जो है द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द रामचंद्र एक फोकल पॉइंट बन गया, जिसकी वजह से मॉरल डिलेमा क्रिएट हो गया और वो खत्म हो गया। तो ये राइटिंग कहीं ना कहीं आपको उससे भी कनेक्टेड लग रही होगी, द मेयर ऑफ कास्टल ब्रिज, अगर आपने पढ़ा हो द मेयर ऑफ कास्टल ब्रिज, उसमें भी जो सेंट्रल जो कैरेक्टर है हमारा इसी तरह का मूव होता है वो भी। थीम देख सकते हो सारी थीम, जैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, फीडुअल एक्सप्लॉयटेशन, इम्पैक्ट ऑफ द कॉलोनियलिज्म, लव एंड मोरालिटी, ये सारे थीम्स हैं। अब यहाँ देखो, द टाइटल जो है वो खुद एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है एगेरियन सोसाइटी का, जिसके ऊपर हम काफ़ी डिटेल में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सोशल कमेंट्री है, बिल्कुल राइटिंग सिग्निफिकेंट सोशल कमेंट्री है, क्योंकि ये मिरर है टू द सोशल वर्ल्ड। उसके बाद ये कोर रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी ऑफ दैट पीरियड, और उसके बाद क्योंकि इसमें रियलिस्टिक ग्राउंड पे ग्रूव कर रखा है, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये एक और कंको, तो एक कंक्लूजन आप इसको भी ऐड कर सकते हो। कोई सी भी राइटिंग में फीमेल इम्पॉर्टेंट होती है, और वैसे भी तो फेमिनिस्टिक ग्राउंड पे जो है ये राइटिंग किस तरह से उसको देखना है, यानी फीमेल कैरेक्टर जो है इसमें किस तरह से प्रेजेंट किए गए, यानी वो फ्रिजाइल हैं, कमज़ोर दिखाए गए हैं, या फिर वो पोटेंट दिखाए गए हैं, या हमें वल्नरेबल दिखाए गए हैं, जिसे बोल सकते हैं दैट इज़ ईजली अटैकेबल। तो सोशल फ्रेम की तरह, या सोशल फ्रेम को अब हम जो है उसको डिक करते हुए और फाइबर यानी सिंपल सोसाइटी के फाइबर की तरफ मूव करेंगे, और वहाँ से हम देखेंगे द रोल ऑफ द फीमेल, तो फीमेल का फैब्रिकेशन देखा जाएगा अब इस कहानी में। तो अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमेन एंड द जेंडर रिलेशन इन द सिक्स एकड़ एंड थर्ड, इन द नरेटर स्टेटमेंट कंसर्निंग द नॉवल सिक्स एकड़ एंड थर्ड,
एज वेल एज द रिलेशनशिप बिटवीन द फीमेल एंड द मेल कैरेक्टर द ऑथर्स ऑन सेनापति प्रेजेंट द विविड, बिल्कुल क्लियर, कॉम्प्लेक्स भी दिखा रखा है, नॉन सेक्सिस्ट एंड द रियल वीमेन दिखा रखी है इसमें। सेनापति ने एक तरह से ओवरऑल क्रिटिकल राइटिंग लिखी है, सोशल इनजस्टिस दिखाया है उस समय पे, द वुमेन अमंग इट्स विक्टिम, वीमेन भी किस तरह से विक्टिम थी इन सबका, इकोनॉमिक एंड सोशल रिफॉर्म इम्पावर्स बोथ वुमेन एंड मैन। देखो एक तरह का ये सिंगल कॉलोनाइजेशन का पार्ट नहीं है, इट्स अ डबल एंड मोर देन ट्रिपल, हम कह सकते हैं मोर देन डबल, सॉरी, कॉलोनाइजेशन। एक तो सबसे पहले इंडिया को कॉलोनाइज किया, दैट इज़ द फर्स्ट कॉलोनाइजेशन। उसके बाद अगर हम जेंडर बेस पे बात करें तो वुमेन है, तो वुमेन इज द सेकेंड कॉलोनाइजेशन। तो एक तो ऑलरेडी फर्स्ट कॉलोनाइजेशन है कि इधर से इंडिया को कॉलोनाइज कर रखा है, दूसरा जो वुमेन है वो इंडिया की मेल के हिसाब से वुमेन ऑलरेडी जो है फ्रेजाइल कमजोर मानी जाती है, तो सेकेंड कॉलोनाइजेशन। तो डबल कॉलोनाइजेशन पे जो है राइटिंग मूव कर रही है। उसके बाद ट्रिपल भी लेयर हम देखने को यहाँ पे मिलता है, जब हम देखते हैं कि वो मार्जिनलाइज सेक्शन जो भी इंडिया में जिस तरह से जो लोअर कास्ट के हैं, तो यहाँ पे ट्रिपल कॉलोनाइजेशन जैसे कंसेप्ट भी है। तो सिंगल से डबल, डबल से ट्रिपल कॉलोनाइजेशन की तरफ ही राइटिंग मूव होती जाती है, जो कि वुमेन को एक ही उस पे बेस पे नहीं, मोर देन हम कह सकते हैं डबल पे रखा है। इसी को हमने जो तीसरी लेयर है उसको हमने बोला, और जो दूसरी लेयर है उसे भी हमने बोला सबाल्टनिज्म। ये सब सबाल्टन का कंसेप्ट है जो कि फीमेल को मोर वल्नरेबल बनाती है। तो ऐसे अब देखा चल रहा है द डिफरेंट सी सोशियो इकोनॉमिक आइडियल्स द रेडिकल जो समय चल रहे थे। इस नॉवल रेजेस द क्वेश्चन अबाउट द ऑनरशिप एंड द फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, और जो ऑनरशिप है वो मेल की तरफ ही मूव था। उसके साथ साथ चैलेंजेस ऑफ द पीजेंट वर रिटन अबाउट द ब्रिटिश एंड द ब्रिटिश एजुकेटेड इंडियंस, जिसे बाबूज बोला गया, ही राइट्स इन द डीपर एंड द लेस स्टीरियोटाइप कैरेक्टराइजेशन। सेनापति ने कई सारे क्वेश्चन को रेज किया अबाउट द नॉट द कॉलोनियल ब्रिटिश अथॉरिटी के ऊपर, बल्कि हिंदू के ट्रेडिशन के ऊपर। देयर आर मैनी अन इक्विवोकल स्टेटमेंट्स इन द नॉवल क्रिटिसाइजिंग द वे ऑफ द कास्ट लीगल सिस्टम, इस पर कमेंट किया गया। द नरेटर कमेंट्स द इनजस्टिस थ्रूआउट द नॉवल, इनजस्टिस पे भी कमेंट किया गया। इन वन एग्जाम्पल द नरेटर कंपेयर्स द ब्राह्मिन टू डॉग्स एंड वल्चर्स, नथिंग दैट द ब्राह्मिन्स इवन इफ दे आर अटरली वर्थलेस आर द किंग ऑफ ऑल द ऑफ ऑल 36 क्लासेस। तो एक जगह तो ये भी बता रखा है नरेटर ने, कंपेयर कर रखा है ब्राह्मिन को डॉग्स और वल्चर, यानी किसी को नहीं छोड़ते थे, जो आता था उनको ये वसूल लेते थे, उनको नोच खाते थे। द नरेटर एटीट्यूड इज क्लियरली दैट द ब्राह्मिन डू नॉट डिजर्व देयर हाई सोशल पोजिशन, जितना पोजिशन उन्होंने बना रखा था उतना वो डिजर्व नहीं करते थे। ये तो ऑलरेडी पहले कॉलोनाइजेशन चल रहा है, फिर उसके बाद इंडिया के सोशल फ्रेम में भी जिस तरह से हम देखते हैं कि कास्ट का डिविजन, ब्राह्मिन क्षत्रिय शूद्र है ना वैश्य, इस तरह से तो ब्राह्मिन जो है वो सेकेंड कॉलोनाइजेशन जो कर रहे थे। तो ये और यहाँ पे राइटिंग में भी देखने को मिलता है कितना क्रिटिकल, स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल कमेंट है, जैसे ब्राह्मिन को डॉग से और वल्चर से कंपेयर किया गया है। जैसे दैट क्लेवर एंड दैट एडमिट्स दे ऑल द आर्गुमेंट फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक इनजस्टिस, बट दैट डज द सेनापति से अबाउट द वुमेन, तो वुमेन के बारे में क्या है, इज अटेम्प्ट टू द रियलिज्म दैट डजंट ही रिप्रेजेंट द रियलिस्टिक व्यू ऑफ द विलेज वुमेन, कॉम्प्लेक्स व्यू दैट अलाउज द सबटल डिफरेंसेस बिटवीन द वुमेन। तो देखो नॉर्मल से अगर हम करते हैं तो सेनापति एज प्रोग्रेसिव ऑन द वुमेन्स इशू के ऊपर उन्होंने लिखा है, बिल्कुल सही। अगर क्लोज रीडिंग करते हैं 6 से 8 का, तो हम ये कह सकते हैं कि ठीक है वुमेन और उनके रिलेशनशिप मेल एंड द फीमेल कैरेक्टर के थ्रू बहुत ही विविड प्रेजेंट किया गया, कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट किया है, पर हाँ फीमेल को सब्जुगेट दिखाया गया है और फ्रिजाइल दिखाया गया है, कमजोर, ठीक है। उसके बाद मीक, प्लेसिड, शांत और बिल्कुल पवित्र, जैसे कि हमने देखा था सनातनी सांतनी सांतनी सॉरी जो सांतनी का जो कैरेक्टर है वो प्लेसिड है, पवित्र और सीरेन जिसे हम कहते हैं, मीक, बहुत ही शांत, इस तरह से दिखा रखा है। द सेनापति इज ओवरऑल द क्रिटिक ऑफ द सोशल इनजस्टिस इंक्लूड द वुमेन अमंग इट्स विक्टिम एंड इज विजन फॉर द इकोनॉमिक एंड द सोशल। तो माना है कि सेनापति ने कि देखो उतना ज़्यादा फाइनली जो है बैंड नहीं है वुमेन की तरफ राइटिंग, पर फिर भी इसमें अगर हम वुमेन को उठा के देखते हैं तो बहुत ही हमें फ्रिजाइल कंडीशन देखने को मिलता है, जैसे कि जो हमारे पास सरिया कैरेक्टर है वो किस तरह से मंगराज के घर के बाहर बोलती बोलती और भीख मांग रही थी, पर किसी ने उसे सपोर्ट नहीं करा, लीगल सिस्टम जो है अंग्रेजों का पूरा लूपहोल से भरा हुआ था, और एंड में भी जब उसकी डेथ हो जाती है फिर भी उसको बिल्कुल एंड ट्रायल में भी उसको कुछ ऐसा नहीं लगता कि हाँ फेयर ट्रायल हुआ है, वो भी झूठा था, जिसकी वजह नीता की वजह से उस पर ब्लेम डाला गया मंगराज के ऊपर और उसे छोड़ दिया गया। कुछ वो तो विक्टोरियन वुमेन अगर आप 1859 में डार्विन की थ्योरी आई थी, द थ्योरी ऑफ सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, और द थ्योरी ऑफ द सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट कहते हैं या ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज कहते हैं,
इस थ्योरी ने सिंपल एक बात रखी थी कि हम जो है भगवान के बच्चे नहीं है इस धरती पे, हम सारे जानवर हैं। हम दो तीन चीज़ के लिए हम सब जिंदा रहते हैं, वो क्या है, जैसे कि नॉर्मली शेल्टर के लिए, फूड के लिए और सेक्स के लिए। तो जब लोगों को पता चला भगवान के बच्चे वगैरह नहीं है, तो उन्होंने एनिमल की तरह अपने आप को ट्रीट करना शुरू करा, और यहीं से प्रोस्टिट्यूशन ने कदम रख दिया। और यहाँ पे भी देखो, हमें प्रोस्टिट्यूशन का सीन दिखा रखा है, जहाँ पे कई सारे ऐसे सीन है कि मंगराज के घर पे जो है फ्लॉक्स यानी पूरे झुंड के हिसाब से जो है वो बजारू लड़कियाँ आती थी। तो ये इस तरह से जो फीमेल ग्राउंड से अगर देखा जाए तो विक्टोरियन राइटिंग का एक्सलेंट एग्जाम्पल है, जहाँ पे जी बी शॉ बहुत अच्छी सोशल राइटिंग लिखते थे, ग्रेट बर्नार्ड शॉ जिनकी राइटिंग देखो, मिसेज वैरेंस प्रोफेशन, अगर आपने पढ़ा होगा मिसेज वैरेंस प्रोफेशन, मिसेज वैरन का प्रोफेशन क्या है, प्रोस्टिट्यूट है, पर फिर भी कवर पेज पे ये आ गई चीज। तो उसी तरह से ये जो राइटिंग है, जैसे इसमें जो चंपा नाम की कैरेक्टर है कितनी पावरफुल है, पर उसकी पावर का वो क्या है कि वो किस तरह से विक्टोरियन फीमेल का रोल प्ले कर रही है, एक प्रोस्टिट्यूशन में उसका कदम है, और जिस तरह से उसका जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल लूज है, यही ऐसी चीज़ें जो उसे पावर इंड्यूस करती है। तो विक्टोरियन फीमेल भी देखने को मिला हमने, और इंडियन का कल्चर से रूटेड जो फीमेल है वो भी, जैसे शांतनी जो है वो इंडियन रूट से ग्रूव थी, और ऐसे जो चंपा है वो विक्टोरियन एसेंस को लेके मूव कर रही थी। आ गया साथ ही साथ राइटर पे जो ऑथर होते थे बहुत ही फेमस, जो इंडिया के इंडियन स्टाइल ऑफ राइटिंग में बहुत ही फेमस, जैसे कालिदास को माना जाता है क्या, इट मीन द शेक्सपियर ऑफ द इंडिया, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने ड्रामा वगैरह ये सब कुछ लिखा है, तो उपन्यास वगैरह कालिदास की, तो इस सबको टारगेट पे रखा है इस राइटर ने जो हमारे पास है फाइनली, मोहंती ने। अब यहाँ पे देखो कि क्या क्या ऐसी चीज़ है जिसको टारगेट पर दिया। फर्स्ट थिंग क्या है कि जो जितने भी पहले के राइटर थे, जो ट्रेडिशनल राइटर थे, वो वुमेन को एलिफेंट से कंपेयर करते थे, या फिर ज़्यादातर उसकी उनकी राइटिंग जो उनकी ब्यूटी को ग्लोरीफाई करते थे। जैसे कि यहाँ पे एक ह्यूमरस पोएम भी पता है कालिदास की, लिटरेरी अथॉरिटी एंड द चंपा विद द अनआइडियलाइज्ड फिजिकल कैरेक्टर। कालिदास की भी जितनी राइटिंग है उसमें जो हीरोइन होगी उसको बहुत ही अलग दिखाया जाएगा, उसकी ब्यूटी को प्रेजेंट करने के लिए 5 या 6 पेज या उससे भी ज़्यादा पेजेस जो है वो अटैच किए जाते थे। पर यहाँ पे इसी तरह से चंपा के कैरेक्टर को रखा गया है, और उसके ऊपर एक मॉक एसेंस ऐड कर रखा है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं क्रिटिकल बेस पे पूरी राइटिंग जो है इसे क्राफ्ट किया गया, तो ये पूरा क्रिटिकल है, हर किसी पे सटायर कसा गया है, आयरॉनिकल सेंस है राइटिंग में, चाहे हम बिल्कुल टाइटल की बात करें वो भी आयरॉनिकल है, व्यंग्यात्मक है सब कुछ, और सटायर जैसे कालिदास उसको भी किया गया। तो वुमेन के बेस पे अगर कोई राइटिंग आए तो आपको ये सारा कुछ लिख के आना है। ये देखो कालिदास की, और वो स्टाइल इमिटेट कर रखा है के कालिदास के स्टाइल ऑफ राइटिंग को, इसे सेकेंड दी पैरडी, इस तरह की राइटिंग को मजाक बनाना इस तरह पैरडी कहते हैं इसे, वो इस स्टाइल को यूज़ करना पर कमेंट मार देना। देखो जैसे क्या बता रखा है, दैट हर आइज वर डेकोरेटेड विद द काजल, हर माउथ फुल ऑफ द बीटल, हर बॉडी मसाज विद द ऑयल इन द टर्मरिक पीस एंड द ट्यूब विद द 16 एंड द क्यूबिट साड़ी, शी मूव्स एज फास्ट एज शी डॉग है ना शी डॉग, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली वीकली November 18, 2006, हर ईयर हैज़ अ टॉप नॉट ट्रिम्ड विद द फ्लावर्स। तो यही बता रखा है कि इस तरह से पूरे पे मजाक है, तो नॉर्मल इंग्लिश आपको देख के भी समझ आ रहा होगा किस तरह से मजाक बना रखा है। अब एक दो लाइन ऐड कर सकते हो कि दिखाने के लिए कि वुमेन को किस तरह से क्रिटिकल इस पर कमेंट किया गया है। उसके बाद थिक मेटल्स जो है रिंग्स एडॉन हर फिंगर, उसके बाद गेस्चरिंग द वाइडली इन द मार्च इज द शी फील हिज जिंगलिंग एंड द एंकल्स श्रिंकिंग, इस तरह से पूरा मजाक बना रखा है चंपा को। चंपा का प्रोफेशन क्या है कि वो प्रोस्टिट्यूट है, और इस तरह से प्रोस्टिट्यूट की खूबसूरती को दिखाते हुए कालिदास जैसे महान राइटर की इसमें एक पैरोडी क्रिएट की गई है इन अ पोएटिक फॉर्म। और यही चीज़ें इस राइटिंग को इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करती थी। फीमेल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कमज़ोर दिखा रखी है, चंपा जैसे कैरेक्टर जो है विक्टोरियन फीमेल को प्रूव कर रहे हैं इसमें। तो जो विक्टोरियन फीमेल है वो बहुत ही पावरफुल थी, और वो एक तरह से बिजनेस लीड कर रही थी। तो वो ये द डिस्क्रिप्शन ऑफ चंपा डेमोन्स्ट्रेट दैट एज एन इंपॉर्टेंट फीमेल कैरेक्टर, नीड नॉट बी ब्यूटीफुल और वेल डेवलप्ड है, पर हाँ द ड्यूअल पर्पस ऑफ द चैप्टर इसमें दिखा रखा है, वो फीमेल को ऐसा नहीं बहुत ही वीक कैरेक्टर दिखा रखा। द नरेटर स्टेट्स दैट द वुमेन शुड नॉट लाइक द एनिमल्स एंड बी वैल्यूड सिंपली फॉर देयर बॉडीज और देयर अट्रैक्टिव अपीयरेंस, कि वुमेन को हमेशा बॉडी के लिए ही नहीं ग्लोरीफाई करना चाहिए, उनकी इंटेलिजेंस ये बाकी सब चीज़ों के लिए भी प्रमोट करना चाहिए। तो वुमेन एम्पावरमेंट जैसे कंसेप्ट भी है इस राइटिंग में। अब जिस तरह से क्वेश्चन आएगा आपको उसी सीन को उठाना है, और बाकी कंक्लूजन में आप बैलेंस कर देना। और जिस तरह की राइटिंग ये लिखा करते थे, ये भी फर्स्ट इंडियन ऑथर में थे। तो यहाँ पे बता रखा है सेनापति की जो फीमेल कैरेक्टर है उसको इतना इजी नहीं है ग्रैब करना। अभी अभी भी हम जो है वो फेमिनिस्टिक वाला जो बताया था उसी को हम रीड कर रहे हैं, और आपको अगर कोई फीमेल के ऊपर, फीमेल कैरेक्टर के ऊपर कोई राइटिंग आए तो इसी तरह से लिख के आना है। देखो जो असुरा पॉन्ड एक चैप्टर है इसमें,
जो हमारी कहानी है 6 1/2, उसमें असुरा पांडे एक जो चैप्टर है उसके अंदर बता रखा है वुमेन को माइनर वुमेन कैरेक्टर यूज करके, जैसे जसोदा, वो जो है वो अपने गुस्से को लेके और इनटॉलरेंट ऑफ चिल्ड्रन इसको लेके अपनी सोचती रहती थी। ऐसी पाली वो गुड कुक थी, पर वो ये चाहती थी हर कोई जाने उसके बारे में। लक्ष्मी जो है वो अपने खूबसूरती के ऊपर ध्यान देती रहती थी। इस तरह के जो माइनर कैरेक्टर है और सुपरफिशियल कैरेक्टर है, वो भी वुमेन काफ़ी यूनिक सेनापति के वर्जन में फीमेल कैरेक्टर को रखा गया। ये कैरेक्टर्स कहीं ऐसे नहीं लग रहे कि फ्रेजाइल और वीक कैरेक्टर है, पर वहीं देखो जैसे कि सरिया, सरिया कैरेक्टर कितने वीक कैरेक्टर दिखा रखा था, पर वहीं पे बाकी ये जो माइनर कैरेक्टर्स वगैरह हैं और जो चंपा है, ये सब स्ट्रांग जो है बॉन्ड की तरफ लीड करते हैं, ये एक स्ट्रांग ग्राउंड से है, और वो बहुत ही बाकी जो है वो बहुत ही वीक कैरेक्टर है फीमेल का। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ड्यूअलिस्टिक नेचर पे फीमेल कैरेक्टर को इस कहानी में रखा गया है। फीमेल की साइड से ये राइटिंग बहुत ही ऊपर है और बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर रखा है। जैसे कि देखो द नरेटर ने यहाँ पे चंपा को कॉकरेज से कंपेयर कर रखा है, और कॉकरेजेस को वहीं पे बोला जाता है कि उसका जो सेम कॉम्प्लेक्शन चंपा जैसा है, पर कॉकरेजेस जो है वो वेल्थ लेके आते हैं, ऐसी मान्यता है। तो इसी तरह से जो चंपा थी वो इस कहानी में वेल्थ लेके आती थी मंगराज के लिए। मंगराज ने खुद बोला है कि एडमिट किया कि चंपा के सुपीरियर इंटेलिजेंस को लेके और जमींदार के आगे भी जो है उसकी इंटेलिजेंस की लेवल इतनी ऊपर होती थी कि जमींदार भी उसे कभी कैच नहीं कर सकते थे। यही बात है कि भाग्या और जो सरिया है उसको ग्रैब करने के लिए और उसको अपने पूरे इस गेम का हिस्सा बनाने के लिए चंपा के टैलेंट का ही और उसके ट्रिक्स का यूज़ हुआ है। तो इस तरह के फीमेल एक जो कैरेक्टर है इतना स्ट्रांग और प्रोफाउंड दिखा रखा है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये साइड भी आपको देख के चलना है। इस वाली स्लाइड किसके साथ, चंपा के साथ। तो एक तरफ हमारे पास शांतनी जैसी कैरेक्टर है जो कि मीक, मैंने कई बारी बोला, और उसके बाद फिर जाइल अगर बाप कर सकते हैं तो उनके ऊपर बेस, और वहीं पे जो है मीक हो गया, प्लेसिड हो गया यानी बहुत ही शांत, और सेलिन जैसे कैरेक्टर को और इंडियन रेटेड ग्राउंड पे जिस तरह से कैरेक्टर होते हैं उस पर बेस पे क्राफ्ट किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ चंपा जैसे बोल्ड कैरेक्टर को, विक्टोरियन फीमेल जिस तरह के कैरेक्टर को मूव करवाया गया है। तो ऑन द बैलेंस वे में राइटिंग है, बहुत ही बैलेंस वे से प्रेजेंट किया है इस राइटिंग को। और यहाँ पे एक उसको उठा रखा है जैसे कि सरिया है ना, अब सरिया है उसके साथ साथ जो है भगिया एंड सरिया की स्टोरी वो भी ऐड कर सकते हो। अगर यहाँ पे हमारे पास फीमेल एज एन वीक और वल्नरेबल है यानी मीन्स ईजिली अटैकेबल आए तो आपको ये कैरेक्टर्स यूज़ करना है, और अगर विक्टोरियन फीमेल के क्वेश्चन आए तो चंपा को ये बारे में ही लिखना है, और कुछ माइनर कैरेक्टर्स जो है वो भी विक्टोरियन एज और विक्टोरियन स्टाइल ऑफ राइटिंग को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये देखना है कि किस तरह से उस टाइम पे विक्टोरियन एज मूव कर रहा था और उसका इम्पैक्ट जो है वो इंडियन स्टाइल ऑफ राइटिंग में भी आ रहा था। और यहाँ पे एक फेमिनिस्टिक राइटिंग पे है, अगर फीमेल के बेस पे कोई क्वेश्चन आए तो उसका कंक्लूजन आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, बहुत ही बाकी जो लाइंस इसमें इंपॉर्टेंट है उन सबको नोट कर लेना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई आएगा ही आएगा, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन या इसमें नहीं है तो बाकी किसी में सबाल्टर्निज्म का एक क्वेश्चन तो आना ही है, तो सबाल्टर्निज्म और उसके बाद ओरिएंटलिज्म, ये कैपिटल ओ वाला ओरिएंटलिज्म है तो वो को बड़ा, फिर बाकी जो छोटा है, ठीक है। ओरिएंटलिज्म सबाल्टर्निज्म का मतलब सिंपल जो मेन स्ट्रीम से बाहर होते हैं उन्हें सबाल्टर्न बोलते हैं, ठीक है। बाकी इसके बारे में मैंने कई बार इसमें भी बता दिया आपको, इसमें जो फीमेल है वो भी सबाल्टर्न का कंसेप्ट है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन के हैं वो भी सबाल्टर्न का है, जो मेन स्ट्रीम में है उनको सबाल्टर्न नहीं बोलते हैं, यानी जिनको बाकी राइट्स मिल रहे हैं, सभी फैसिलिटीज मिल रही है वो सबाल्टर्निज्म में नहीं है। इसके बाहर जो आउट ऑफ स्ट्रीम है, जो भी आउट ऑफ स्ट्रीम है, मेन स्ट्रीम से जो बाहर है, मुख्य धारा से जो बाहर होंगे, वो सारे सबाल्टर्न में आ जाएंगे। ये टर्म जो है ग्रामची का था, बाकी गायत्री चक्रवर्ती स्पीवक ने इंडिया में मूव करवाया एक फेमस राइटिंग से अगेंस्ट सबाल्टर्न स्पीक। और अब जो सेकेंड वाला है वो ओरिएंटलिज्म, देखना है हमें ओरिएंटलिज्म का मतलब क्या है। तो यहाँ पे ओरिएंटलिज्म का मतलब सिंपल है द प्रेजेंटेशन ऑफ द एशियन एंड द नॉर्थ अफ्रीकन कल्चर, कि किस तरह से एशियन कल्चर को और उसके बाद नॉर्थ अफ्रीकन कल्चर को अंग्रेज किस नज़र से देखते थे, यानी वेस्टर्न जो पर्सपेक्टिव है रिगार्डिंग टू द एशियन और जो नॉर्थ अफ्रीकन जो वाले जो नेशन है उनको लेके जो उनकी सोच थी और जो पर्सपेक्टिव था उसी को हम ओरिएंटलिस्टिक और ओरिएंटलिज्म कहते हैं। कि जिस तरह से ब्रिटिशर मानते थे कि जो इंडियंस थे वो काफ़ी ज़्यादा जो है सैवेज हैं, उन्हें कुछ आता जाता नहीं है, वो जंगली हैं, तो उन्हें जो है वो लिटरेट करना है, इसी कंसेप्ट को लेके मकाले था, मकाले का द मिनट अगर आपने फेमस वर्क पढ़ा हो, तो ये एक बर्डन है किस तरह से वेस्टर्न माइंड के ऊपर कि वो जो है जो एशिया वालों को जो एशियन है उनको जो है वो सिखाएंगे और उनको सेवेज से जो है वो लिटरेट की तरफ मूव करेंगे। तो ये जो कंसेप्ट है और ये जो सोच है ओरिएंटलिज्म की, यही जो है जन्म देती है
कॉलोनियलिज्म जैसे कंसेप्ट को और इंपीरियलिज्म को, कि उनका मानना है कि एशियन जो है वो सैवेज है, बारबरिक है, तो इसी वजह से जो है इंपीरियलिज्म जैसे कंसेप्ट जन्म लेता है, जिसका मतलब है कि उनका जो कल्चर है बहुत सुपीरियर है हमसे, और जब ऐसे ही सोच जन्म लेती है तो यही कॉलोनाइजेशन की तरफ मूव करती है। इस वाले देख सकते हो, देख सिंपल सबाल्टर्न का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो भी आउट ऑफ स्ट्रीम है, जो मेन स्ट्रीम से बाहर है। कौन टर्म लेके आया था? एंटोनियो ग्रामची, ये याद रखना है आपको। इसके बाद जो है फेमस जिसने करा वो किन सबाल्टर्न स्पीक, ये लाइन जो है ये फेमस गायत्री चक्रवर्ती स्पीवक की है, जिनका एक वर्क था कि सबाल्टर्न को भी हक्के बोलने का। द नॉवल सिक्स सेकंड जो है वो सबाल्टर्न के ऊपर, ये कई सारे मैंने आपको कंसेप्ट बता दिए फीमेल में कौन कौन, जैसे भगिया और सरिया। सरिया जो फीमेल है वो प्रेजेंट करती है सबाल्टर्निज्म को। उसके बाद जो है इसमें डाउन ट्रोडन सेक्शन, डिप्राइव्ड सेक्शन के जो बंदे हैं वो भी हमने डिस्कस किया है, वो भी सारे जो हैं ये सबाल्टर्न कंसेप्ट की तरफ मूव करते हैं। तो ओरिएंटलिज्म के ऊपर भी है, किस तरह से एक इमेज बना रखी है एशियन को लेके अंग्रेजों ने, और इसी के ऊपर जो है कॉलोनियल जैसे कंसेप्ट को और जमींदारी जैसे सीन को जो है अंग्रेजों ने मूव करवाया यहाँ पे। आगे इसमें भी वही ओरिएंटलिज्म, इस तरह के कंसेप्ट को ऐड करके नंबर और स्कोर अच्छे जा सकते हैं आपके। तो जो ओरिएंटलिज्म वाला कंसेप्ट है वो ही ध्यान रखना है, और उसी के बेस पे एक इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म डिजाइंड है। और मैंने बता दिया था किस तरह से तीन फ्रेम है, मर्केंटलिज्म आया, फिर उसके बाद इंपीरियलिज्म आया, फिर उसके बाद कॉलोनियलिज्म आया। बाकी आपके ऊपर एक, आपको अगर सीन याद है, बाकी जो कंसेप्ट है उसे अटैच करते जाओ आप सीन को, तो वैसे ही आंसर आप बेहतर लिख सकते हो। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो टर्म है हमारे पास, जो कंसेप्ट है उसके साथ सीन उठाना शुरू करना होता है बस, और उसके लिए काफ़ी मटेरियल है यहाँ पे, आप इसे ये रोक के स्लाइड को देख सकते हो, सेम इज हियर कर लेना। द नेक्स्ट इज फॉर द एक्सप्लोरेशन के ऊपर जो वो क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, तो उसके लिए जो आंसर राइटिंग मटेरियल है वो इसमें है, बहुत अच्छा मटेरियल है, आप देख लेना स्लाइड को रोक के। ये आपको काम सभी स्लाइड को रोक के अच्छे से रीड कर लेना। जैसे कि देखो फकीर मोहन सेनापति का सिक्स एकड़ जो है वो सोशियो और कल्चरल जो सिचुएशन ऑफ ओडिशा उसके ऊपर डिजाइंड है। राजा राव की जो कांतापुरम है वो भी कहीं ऐसे डिजाइन है, पर राजा राव की जो कांतापुरम है वो गांधीन आइडियोलॉजी पे बेस्ड है, वो भी इस तरह से इंडिया के कल्चर को प्रेजेंट करती है, मिरर टू द इंडियन कल्चर है वो भी अपने टाइम की। तो मंगराज का किस तरह से एविल दिखा रखा है, इसके लिए एक फेमस लाइन इसको कोट कर सकते हो आप, जैसे आर मंगराज वॉज नेवर वन टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन हिज ऑन प्रॉपर्टी एंड ऑफ दी अदर। मंगराज ऐसा था जो कि अपनी प्रॉपर्टी और दूसरे प्रॉपर्टी के बीच में फ़र्क ही नहीं समझता था, क्योंकि उसका मानना था अकॉर्डिंग टू द शास्त्रार्थ, वो शास्त्रार्थ के वो देते हुए बोलता था कि जिनका दिमाग छोटा होता है वही अपने और दूसरों के बीच में फ़र्क समझते हैं। तो एक तरह से ये क्रिटिकल एक कमेंट है, एक तरह से ये सटायर है कि वो ना अपनी ज़मीन और दूसरे की ज़मीन के बीच में फिक्र नहीं समझता था। इसका सिंपल मतलब कि वो दूसरों की ज़मीन को भी कब्जा लेता था, कहना कि उसका और इसका, मेरे और उसके बीच के ज़मीन में कोई फ़र्क ही नहीं है। तो शास्त्र के इस तरह के लाइन को मैन्यूपरेट करता था, और इतना जो है मंगराज का जो इविल माइंड है उसको प्रेजेंट किया गया है। तो और बाकी जो है यहाँ पे स्टोरी है कि जो ह्यूमर स्टोन पे किस तरह से डिजाइंड है, और छोटा मियाँ को किस तरह से उल्लू बनाया मंगराज ने, उसकी ज़मीन को हत्या किया, उसके बाद जमींदारी जो है वो टाइटल भी ले लिया, और ऐसे श्याम मल्ला को भी किस तरह से लूटा, तो वो सारा सीन जो है इसमें डिजाइंड है। रिलेशनशिप, रिलेशनशिप के थ्रू से इस राइटिंग को भी देखना बहुत ज़रूरी है, अब हम देखेंगे रिलेशनशिप के थ्रू, ठीक है। तो ये सभी चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें, देखते हैं हम यहाँ पे। क्रॉसिंग द सिक्स एकड़ एंड द थर्ड इज़ ए वंडरफुल स्टोरी, ये अच्छी है, जो कि ये तो ग्रीड और मेन कैरेक्टर के ग्रीड के कंसेप्ट के ऊपर भी मूव है, और उसके बाद एक ट्रू लव के ऊपर भी बेस्ड है। रिलेशनशिप में यहाँ पे मंगराज चंपा, उसके बाद मंगराज शांतनी, उसके बाद जो है सरिया भगिया, उसके बाद चंपा गोविंदा, इनके इतने जो है ये रिलेशन हमें इसमें दिखा रखा है। गोविंदा वो नाई जिसके साथ वो भाग गई थी। सिक्स एकड़ एंड थर्ड कुड बी ओपन एज ए पॉइंट ऑफ द सेनापति डिस्क्राइब द प्लॉट ऑफ द फर्टाइल लैंड, किस तरह से देखो मंगराज का रिलेशन चंपा के साथ डिजाइन था सिर्फ लूटने के लिए और ट्रिक करने के लिए, और वो हमें इस राइटिंग में देखता है देखने को मिलता है, और यहीं से जो है टाइटल आया इस पूरे राइटिंग का, जो कि खुद ही एक आयरोनिकल है और जो कि बिल्कुल ही एग्रेरियन सोसाइटी की तरफ मूव करवाती है 19th century के टाइम पे, और ज़मींदारी और ब्रिटिश का कंसेप्ट और ईस्ट इंडिया कंपनी को कहीं ना कहीं पीछे जो है उसको बैकग्राउंड में रखती है। तो नॉवल में स्ट्रांग बॉन्ड ऑफ रिलेशनशिप दिखा रखा है, मंगराज एज एन ह्यूमन बीइंग ऑफ द टोटल फेलियर, एंड में देखा कि किस तरह से वो मटेरियल ग्राउंड पे इतना ज़्यादा डिजाइंड हो चुका था और मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड का हो गया था, तो सिर्फ उसका वेल्थ ही उसका मेन था, उसके बाद उसको कोई लेना देना नहीं था, तो उसका मनी माइंडेड दिमाग था जिसके वजह से उसे एंड में भुगतना पड़ा।
अब यहाँ से देखो मंगराज का रिलेशन नॉर्मल पता होगा किस तरह से फ्लैटरी और हाइपोक्रेसी जैसे यूज करके वो लोगों को जाल में फंसाता था। जिस तरह से देखो यहाँ पे है कि ही गेन द फेवर ऑफ द रियल ओनर शेख दिलदर मियाँ थ्रू हिज फ्लैटरी एंड हाइपोक्रेटिक नेचर एंड एक्सप्लॉइटेड हिम एंड दी फाइनली मेड हिम मॉर्टगेज द होल प्रॉपर्टी टू हिम ही इन द नेम ऑफ द रिलीजन विद द चंपा। किस तरह से उसने दिलदार मियाँ का जो है वो पूरी प्रॉपर्टी गेन कर ली थी, किस तरह से उसने जमींदारी भी ले ली उसके बाद, और यही सब कुछ है कि चंपा के साथ कैसे वो मिलके वो दोनों ट्रिक करते थे। और उसकी जो वाइफ है इतनी अच्छी वाइफ थी, उसके साथ जिसको एक मदर ऑफ कम्युनिटी का टाइटल मिल रखा था उसके साथ वो बिल्कुल सही नहीं था। यही वजह कहानी के एंड में इसके जो बच्चे हैं वो भी ऐसे निकल आते हैं, नॉर्मल है बिल्कुल, ठीक है रीड कर लेना। बाकी स्लाइड को आप देखो, और बाकी अर्धांगनी का जो रियल मतलब है इट मीन्स दैट वो यहाँ पे देखने को मिलता है, पर उसने कभी इस तरह का कोई ध्यान दिया ही नहीं। तो यही एक ऐसा है कि अपने फ्लॉ की वजह से इस कैरेक्टर के अंदर खुद ही एक फ्लॉ है जिसकी वजह से हमर्शिया, दैट इज कॉल्ड फ्लॉ, हमर्शिया होता है एक एक फ्लॉ होता है जिसकी वजह से कमी होगी एक सेंट्रल कैरेक्टर में जिसकी वजह से उसकी ट्रेजेडी आ जाएगी, उसकी ट्रेजेडी को दैट इज कॉल्ड हमर्शिया। ये कहाँ लिखा, दैट इज एरिस्टोटल के पोइटिक में लिखी हुई है जिसमें कि हम पता करते हैं कैरेक्टर क्या है और प्लॉट क्या है, प्लॉट स्टोरी से किस तरह से अलग है। तो वो उसमें बता रखा दैट हमर्शिया क्या होता है, एक एक फ्लॉ जो करेगा, एक एरर करेगा सेंट्रल कैरेक्टर, और उसकी वजह से उसकी ट्रेजेडी होगी, दैट इज़ द हमर्शिया। इसी के इसकी जो हमर्शिया है वो यही है, इसका इतने तरह का इस तरह का जो नेचर है, एक मनी माइंडेड उसका नेचर, उसके साथ साथ बीस्ट लाइक कैरेक्टर, तो इन सब की वजह से इसका डाउनफॉल होगा। एंड में कंक्लूजन है देख लेना। इसके बाद है पोस्ट, में इसको हम देखते हैं नेक्स्ट वाली जो स्लाइड है वो बिल्कुल प्लेन होगी, मैं आपको समझाऊंगा पोस्ट कॉलोनियल किस तरह से ये राइटिंग है। ये नॉर्मली का बहुत ही डार्क कॉलोनाइज हुई थी, तो इंडिया को हम कॉलोनाइजेशन की बात करते हैं तो हमें पता है तीन, वो जैसे कि मैं पहले ही बताता आया हूँ कि मर्केंटलिज्म जो कि इनका पहला था कि किस तरह से बिजनेस करने आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद इंपीरियलिज्म अपने कल्चर को ऊपर दिखाया 1830s और 20s की लाइन में और मैकॉले के कंसेप्ट के थ्रू, और उसके बाद जो है कॉलोनाइजेशन, इंडिया को कॉलोनाइज किया जमींदारी परमानेंट रैतवाड़ी इस तरह से। पोस्ट कॉलोनियल का मतलब है जब जब राइटर जो लिखता है और अगर हम उसमें एक ऐसा वॉइस देखें कि हाँ हमने देखा कि सच में कि इंडिया का किस तरह से इन्होंने फ़ायदा उठाया, इंडिया के कल्चर को किस तरह से ग्रैब किया, उसके बाद इन्होंने यहाँ पे किस तरह के जो है उल्टे सीधे सिस्टम चला के यहाँ के जो लोगों को लूटा, अगर जब इस तरह की चीज़ के बारे में हमें नॉलेज हो जाती है दैट इज़ कॉल्ड द पोस्ट कॉलोनियल टच, और इसी को हम पोस्ट कॉलोनियल वे में कहते हैं कि हमें अगर अगर हम इस टाइम पे बैठ के अगर हमें पूरी पास्ट को देखें और हमें समझ आए कि कहाँ कहाँ पे जो गलती हुई थी जिस वजह से जो है इंडिया को कॉलोनाइज किया और किस तरह से इंडिया के इन्होंने पीजेंट वगैरह इन सबको बहुत ही बुरी तरह से रियून किया, बर्बाद किया, और फीमेल का और जो भी है जिस भी तरह का हमें देखने को मिलता है सब्जुगेशन, तो जब हम इंडिया फाइनली इंडिपेंडेंट है और उसके बाद अंग्रेज़ों से हम बिल्कुल छुटकारा पा चुके हैं, तो उसके बाद अगर हम अगर हिस्ट्री की तरफ मूव करते हैं वो सारे ट्रेसेस अगर एक्सट्रैक्ट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड द पोस्ट कॉलोनियल टच, और बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है पोस्ट कॉलोनियल का। इससे हमें पता चलता है रियल में कि ब्रिटेन ने किस तरह से हमारे कल्चर को और यहाँ तक कि सब चीज़ को उन्होंने जो है पूरी तरह से डाइल्यूट कर दिया, अपना कंसेप्ट और वेस्टर्न कंसेप्ट लेके आए, और वो ये व्हाइट मैन बर्डन जैसा कंसेप्ट कि हमें सैवेज बताया, तो ये सारा गेम इसे पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग का एक परफेक्ट एग्जाम्पल बनाता है। द सेम यहाँ से काफ़ी लाइंस उठा सकते हो और इसी को लिखो, बिल्कुल रोको यार, बिल्कुल सिंपल है, देखो इसे। अब नेक्स्ट देखते हैं हाउ किस तरह से एग्जाम्पल है। देखो फिलोसफी दो वर्ड्स एक में द फीलिया प्लस सोफी, फीलिया और सोफी से मिलके बनता है। फीलिया मीन्स अगेन लव, लव टुवर्ड्स लिटरेचर और इन पीस ऑफ द राइटिंग दैट इज फिलोसफी। तो फिलोसफी में बिल्कुल डिग करते हैं, बिल्कुल अंदर तक जाते हैं हम, और उसको एक डिसेंट्रल नेचर से भी पढ़ा जाता है और उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन के कंसेप्ट के थ्रू भी मूव किया जाता है, हर ट्रेसेस के थ्रू मूव किया जाता है, हर फाइबर से हम जो है बिल्कुल एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं मीनिंग को, दैट इज अगेन फिलोसफी। अब फिलोसफी देखते हैं कि लाइफ लर्निंग लेसन इसमें क्या क्या मिलता है। फिल्म इसमें फिलोसफी इन सेंस है कि हमने इसमें एक लेंस होल्ड कर रहा है, एक फिलोसफी के लेंस के थ्रू देखना है इस राइटिंग को। अब फिलोसफी का लेंस क्या है, जैसे शंकरा हो गए, आदि शंकराचार्य, फिर शंकरा हो गए और नागार्जुना हो गए, इनके एक फिलोसफिकल सेंस क्या थी कि जो भी फिनोमिनल फैक्ट है, जो भी सेंस ऑर्गन से चीज कनेक्टेड है उसको पहले देखना, उसके बाद हर सेंस ऑर्गन से जो चीज़ आई है दैट इज़ नॉट एक्यूरेट और ट्रू, उसको नीति के बेस पे सेलेक्ट करना और बार बार उस चीज़ को देखना और जब समझते जाना और उसे रिजेक्ट करते जाना और जब तक ब्रह्म ना मिल जाए, ब्रह्म मीन्स अल्टीमेट रियलिटी। तो वो इस राइटिंग में भी देखने को मिलता है, हम हर एक फैक्ट के थ्रू जाते हैं, एक ऐसा हमने लेंस होल्ड कर रखा है दैट इज़ द फिलोसफिकल लेंस। हर सीन को आप देखो
उसे बार बार देखो, उस पर आप एक क्रिटिकल पॉइंट सेट करो तो आपको अल्ग अलग मीनिंग दिखेगा, और जब तक आपको ब्रह्म एक अल्टीमेट रियलिटी नहीं मिल जाता। तो ये बैकग्राउंड है जो कि जिसको इससे कनेक्ट कर रखा है, क्योंकि कई सारे जो एपिक्स हैं जैसे कि हमारे पास रामायण महाभारत और गीता उपनिषद, और बहुत ही इन सबको इसी बेस पे जब उन्होंने वर्नाकुलर लैंग्वेज में यानी अपनी देसी भाषा में जब उन्होंने लिखना शुरू करा, तो उन्होंने इस तरह के सेंस को बहुत ही अच्छी तरह से इंटरमिक्स करा विद द कंसेप्ट ऑफ द कॉलोनाइज सब्जेक्ट, और बताया कि किस तरह से वेस्टर्न हेजमनी ने हमारे पूरे कल्चर को डाइल्यूट कर दिया, डिजॉल्व कर दिया, और इसका असर ये हुआ कि हम अपने कल्चर से बहुत ज़्यादा दूर होने लग गए, और ये इनफैक्ट हमें इसमें देखने को बहुत ही एग्जैक्ट वे में देखने को मिलता है। और ये आगे सब जो इस राइटिंग को खास बनाती थी, जैसे प्री गांधियन आइडियोलॉजी। प्री गांधियन आइडियोलॉजी का मतलब यहाँ पे क्या समझ आता है, देखो प्री गांधियन है, और सच बात है मुंशी प्रेमचंद वाली आइडियोलॉजीज भी इसमें प्री एग्जिस्ट करती है, यानी प्रेमचंद 40 साल के बाद लिख रहे हैं जमींदारी सिस्टम पे, और ये 40 साल पहले, तो प्री प्रेमचंद का जो आइडियोलॉजी है वो भी देखने को मिलता है, प्री गांधियन आइडियोलॉजी वो भी गांधी से पहले इस तरह के कंसेप्ट को रखना और एक तरह से वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल मैकेनिज्म को मूव करवाना, तो वो जो है वो सोसाइटी के एक सोशल कोड को टच करना गांधीयन आइडियोलॉजी से पहले एक रियलिस्टिक ग्राउंड पे अगर हम बोले तो गांधी और सब वर्ड जो है हमें इसमें प्रेमचंद दोनों का इंटरमिंगल देखने को मिलता है। तो अब देखेंगे हम प्री गांधीयन आइडियोलॉजी, ये जो स्टार्टिंग दिखा यहाँ पे गांधीयन आइडियोलॉजी देखो किस तरह से, गांधी की फेमस राइटिंग द हिंद स्वराज। अब हिंद स्वराज आपने पढ़ा ही होगा, नॉर्मल सी है छोटी सी किताब, वैसे पढ़ के देखना बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखो जो इशू है गांधीयन कंसेप्ट में जैसे वुमेन एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, और साथ ही साथ द कॉटेज इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के ऊपर, इकोनॉमिक जनरेशन, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट अगेन इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से गांधी ने जो है हरिजन टाइटल दिया था लोअर कास्ट को बचाने के लिए, ये सारा जो कंसेप्ट है वो हमें फकीर मोहन के वर्क में देखने को मिलता है। इट्स अबाउट दी कंसेप्ट ऑफ द आइडियल सोसाइटी, और ये आइडियल सोसाइटी जो है वो गांधीयन कंसेप्ट था। तो जो हम करते हैं आज भी हम बात करते हैं सेल्फ रिलायंट इंडिया के बारे में, और गांधीयन का भी यही मानना था वर्नाकुलर सॉरी वोकेशनल है ना, वोकेशनल एजुकेशन की तरफ ध्यान देना, कि ये नहीं है कि सिर्फ हम थियोरेटिकल नॉलेज दे रहे हैं, एजुकेशन ऐसे प्रोवाइड की जाए जिससे कि जो भी इंडिविजुअल है वुमेन हो चाहे वो मैन हो, बेसिकली वुमेन जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। और ये वारधा जो है ये पैटर्न, ये वारधा स्कूल और वारधा इनका कंसेप्ट है उसमें भी आपको देखने को मिलेगा ये। तो फकीर मोहन के कई सारे स्पीचेज जैसे धोबा यानी वॉशरमैन, ऐसे बादल सा आइट मीन द पावरफुल एंड द डिसएम्पावर्ड, उसके बाद अराता आइट मीन द स्पिनिंग व्हील, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्पिनिंग व्हील जैसे कंसेप्ट, जो कि अगेन इंडिपेंडेंसी पे और सेल्फ रिलायंट जैसे कंसेप्ट को मूव करवाते हैं वो हमें इसमें देखने को मिलता है। तो इसलिए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द गांधीयन आइडियोलॉजी, पर गांधी से पहले ही देखो। तो ये स्वराज खुद पे राज करना, अपनी आइडियोलॉजी से मूव करना, और स्वराज जैसे कंसेप्ट को ये सबके सामने लेके आती है राइटिंग, जैसे ऑटोनॉमस ऑफ द कॉन्शियसनेस। फकीर मोहन का सिंसियरली बिलीव इन द रीडिंग ऑफ द नॉवल वाज मीन, अगर फकीर मोहन के आप इस नॉवल को रीड कर रहे हो इसका मतलब आप बिल्कुल हिस्ट्री को रीड कर रहे हो उस टाइम के, विद गांधीयन आइडियोलॉजी एंड प्रेमचंद कंसेप्ट दोनों इसमें मूव करने हैं। एक और है देखो, ये आपको अलग अलग वे से लिख सको आप एक ही आंसर को। अब यहाँ पे देखो मोनोमेनिया ऑफ द प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी की आग, बहुत अंदर तक डिजायर जागना, और ये कैरेक्टर कौन है हमें पता है, अगर मैं मोनोमेनिया ऑफ द प्रॉपर्टी बोलूँ या दूसरी तरफ से मैं मंगराज जो कि सेंट्रल कैरेक्टर बोलूँ वो ही है। लाइक द बर्ड्स ऑफ द डिफरेंट फेदर्स सीकिंग द शेल्टर इन लार्ज ट्री हैव फ्लॉक्ड द मंगराज हाउस, दे केप्ट अराइविंग एंड लीविंग, इट वॉज इम्पॉसिबल टू कीप ट्रैक ऑफ देयर मूवमेंट। ये क्या एक तरह से ब्रॉथल में कन्वर्ट कर दिया था अपने उसके घर को, और कितने तरह की औरतें जो है वहाँ आती थी, और ये सब मनी माइंडेड गेम वो ही सारा कुछ लिखना है सेम जो पीछे है, पर आपको बस ये जो टाइटल है इस तरह के जो लाइन्स है आप उसको जरूर लिख के आना। बाकी देखो भाई स्लाइड को रोज को ट्रेस करो, इसीलिए इतनी स्लाइड्स ऐड कर रखी है, और अच्छे ही आ सकती है यहाँ से। वेस्टर्न रेनेसा का मतलब क्या है, कि किस तरह से रेनेसा आया वेस्टर्न एज में ना, वेस्टर्न यानी ब्रिटेन में जो रेनेसा आया वो हम पता है चौसर के वर्क से रेनेसा आ गया। रेनेसा मीन्स दी होमोसेंट्रिक होमोसेंट्रिसिज्म, और वो ही जो है विद्यासागर की राइटिंग में भी देखने को मिलता है। यहाँ पे जैसे जीवन करिता और भारत वर्ष इतिहास Volume 1 and Volume 2, तो फकीर मोहन जो है आइडियोलॉजी ने इस फकीर मोहन की भी आइडियोलॉजी के थ्रू हमें कॉलोनियलिज्म इस तरह के कंसेप्ट देखते हैं, यानी इसका सिंपल मतलब है भारत जाग रहा था उनकी राइटिंग में। सही बात है, ये इंडियन रेनेसा था, इंडिया में रेनेसा आ गया था कि भारत अब जाग रहा है, तो इसी वजह से वो जागे, इसीलिए उन्होंने उस एज में ये राइटिंग लिखी है
कि वो समझ चुके थे कि ब्रिटिशर किस तरह से यूज़ कर रहे हैं और उनका जो ये एजेंडा है किस तरह से हमारे कल्चर को थ्रैश करने का, वो समझ चुके थे। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं इंडियन रेनेसा का एक्सलेंट एग्जाम्पल है राइटिंग भी। विक्टोरियन एसेंस वो क्या था कंसेप्ट, और वुमेन में ज़्यादा देखने को मिलती है इस तरह की, वुमेन कैरेक्टर को देख के जैसे चंपा जैसे कैरेक्टर को देख के बिल्कुल साफ इंडिकेशन है कि ये उसी की तरफ कर्सर पॉइंट करता है कि ये जो कैरेक्टर है इसको विक्टोरियन एज के उस पर ही ग्रूव किया गया है। और विक्टोरियन एसेंस विक्टोरियन एज में हमें पता था किस तरह से जो राइटिंग है उसमें प्रोस्टिट्यूशन जैसे ब्रॉथल जैसी चीज़ों को आने लगी वो राइटिंग में, और यहाँ तक कि प्रोफेशन को जो है वो बिल्कुल फ्रंट कवर पे रखा जाने लग गया। जी बी शॉ इनके बहुत ही फेमस इस एज के राइटर थे जिन्होंने ड्रामा बहुत अच्छे अच्छे लिखे हैं। तो ये वही है विक्टोरियन एसेंस यहाँ पे चला था, वही विक्टोरियन एसेंस का जो है लिक्विड इस तरह फ्लो करके आ गया इंडिया की तरफ, और इंडिया की राइटिंग में भी वही एजेंडा और वही सारा सिनेरियो दिखने लग गया। अब बाकी आप यहाँ पे ना बाकी मैंने समझा रखा है, वहाँ से भी वो सीन उठा के लिख सकते हो नॉर्मली द सेम इज, ठीक है। तो बस आप रोको और देखो यहाँ पे विक्टोरियन, हाँ उसने बिल्कुल अच्छी तरह से समझा रखा है विक्टोरियन कंसेप्ट और किस तरह से ये राइटिंग जो है विक्टोरियन से मैच करती है। एंड दिस इज़ द लास्ट स्लाइड, ये लास्ट स्लाइड है, वो कंप्लीट नहीं होने दी मैंने, पर बिल्कुल आपको यहाँ तक काफ़ी मटेरियल मिल गया होगा। आगे भी ऐड करना चाह रहा था मैं, काफ़ी ज़्यादा स्लाइड्स हो जाती, पर बिल्कुल यहाँ तक आपको सब कुछ बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा। इन केस अगर आपको नहीं आता तो आप नीचे ज़रूर कमेंट करो और रिक्वेस्ट रखो जो वर्क जो आपको नहीं मिल पा रहा या आपको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से कैसे करो, उसको प्लीज़ नीचे आप डालो कमेंट में। तो यहीं पे लाइक आप कमेंट जरूर करो, अच्छे से अच्छे कमेंट करो ताकि मैं भी मोटिवेट रहूँ। और थैंक यू सभी को जो इस चैनल के साथ कनेक्टेड है, जल्दी हम 2K तक पहुंचने वाले हैं सब्सक्राइबर। और ये ईमेल आईडी है बाकी मेरी, अगर कोई अगर जिसके रिगार्डिंग अगर कुछ अगर आपको भेजना हो या कुछ कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप भेज सकते हो। बाकी टेलीग्राम को पक्का ज्वाइन करो, ये फेसबुक आईडी अगर आप मुझे देखना चाहते हो फाइनली हो तो व्हाट्सअप नंबर ये है मेरा, ठीक है। अगर कोई भी रिगार्डिंग कोई भी डाउट वगैरह तो आप वो यहाँ पे भी टेक्स्ट कर सकते हो। और थैंक यू सभी को जो हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड है और ऐसे भी जो आके देख के जा रहे हैं बाकी सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो उनको रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करो ताकि ये क्रीम लेयर पे आ सके हमारा चैनल। थैंक यू सभी को।